आप समान कौन बलशाली, कृपा करो हे अंतर्यामी। सिट डाउन जेंटलमैन, सिट डाउन। मैं चाहता हूं कि डायमंड की एग्जीबिशन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पक्का, एकदम पक्का इंतजाम होना चाहिए। हर आने जाने वाले पर आप लोगों की नजरें रहनी चाहिए। हो सकता है दुनिया के बड़े से बड़े चोर और लुटेरे उन हीरों को लूटने की कोशिश करें, लेकिन आप लोगों को उन सब की कोशिशों को नाकाम करके मेरे सर पर कामयाबी का चेहरा फैलाना होगा, ताकि सरकार मुझे अशोक चक्र दे सके। सर, मैं आपके सर की कसम खा के बोलता हूँ कि जो कोई उन हीरों को लूटने की कोशिश करेगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। शाबाश शाबाश, जो मेरे सर की कसम खाता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। अब मुझे पूरा यकीन है कि उन हीरों को कोई नहीं चुरा सकता। होटल रॉकस्टार में 500 करोड़ के डायमंड्स की एग्जीबिशन होगी। 500 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है सुजी। एज पर प्लान हमारी गैंग मेंबर निशा। निशा? यस निशा। उसके बाद होटल के बैकयार्ड में एक वीआईपी कार खड़ी होगी, जिसकी कोई सिक्योरिटी चेकिंग नहीं होगी। उसमें तुम निशा को बिठाकर वहां से फरार हो जाओगी। एंड ऑल द डायमंड्स शैल बी माइन। डायमंड एग्जीबिशन शुरू होने से पहले हम 500 करोड़ के हीरे चुराने में कामयाब हो जाएंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, ओके? कालू, सुना क्या? सुना। हम लोग आए थे इधर 500 रुपए की मूर्ति चुराने, और पता लगा 500 करोड़ के हीरे के बारे में। अबे 500 रुपए की मूर्ति फेंक फेंक फेंक। अभी हम लोग हीरे चोरी करेंगे। हीरे? हाँ, अपन कैसे? तेरे को चोरी करना किसने सिखाया? तूने। जैसे मैं बोलता कान खोल के सुनने का। हाँ बोल। क्या है ना, लड़की हीरे चोरी करे, हाँ हम लड़की को चोरी कर ले, ठीक है ना? पुलिस को शक भी नहीं होगा और अपना काम भी हो जाएगा, ठीक है ना? बरोबर। The night is waiting. The night awaits.
मैडम, एग्जीबिशन हॉल खुलने में अभी टाइम है। तू एकदम तैयार? मैं एकदम तैयार। मेरा हथियार देख के लड़की डर जाएगी। अच्छा? हाँ। किधर है? क्या? हथियार। इसको देख के लड़की डरेगी? छीन के तेरे से ना खून काटेगी अपना। तो? लेकिन मेरा हथियार देख के लड़की एकदम घबरा जाएगी। अच्छा? किधर है? क्या किधर? तेरा हथियार? क्या हथियार किधर है? अरे बाबा, अरे बाबा, ऑटोमेटिक हथियार है, नकली है। हाँ? क्या है ना, असली में मारेंगे असली में मर जाएगी। हाँ? नकली से मारेंगे तो नकली मरेगी ना बाबा। बहुत भारी हो गई रे, क्या है रे ये? घर पे देखा तो बहुत हल्की दिख रही है, मतलब संभाल के संभाल। माइला लड़की हवालदार कैसे बन गई? अरे बाबा, ये बात मेरे को मालूम होता तो मैं चोर थोड़ी बनता। As per the plan, just hand over the diamonds to me. अब वो डायमंड मुझसे कोई नहीं ले सकता, ना तुम और ना डैनियल। It's not the time to joke. I know it's the time for life or death, right, Susie? In that case, I choose death. चलाओ गोली, लेकिन मैं तुम्हें वो हीरे किसी भी हाल में नहीं दूंगी। As you wish. Shit. Shit. सूजी, हाँ? तुम्हें लगता है कि मैं इतना बड़ा काम किसी तैयारी के बिना करूंगी? तुम गलत हो। जब तुम अपने घर से बाहर निकल रही थी, मैंने तुम्हारी बंदूक से ये गोलियां निकाली। Now baby, you get out of the car. Understand? And if you take one more second, you would have to choose between life or death. Come on, out. Oh, shit! हीरे चोरी हो गए, you bloody fool, stupid idiot! ये खबर कहीं भी किसी भी तरीके से छपनी नहीं चाहिए। यस सर। कोई भी बहाना करके एग्जीबिशन को कैंसिल कर दो। ये केस मैं खुद सीक्रेटली हैंडल करूंगा, समझे? और अब वो हीरे जो हमारे थे किसी और के पास चले गए। It's all because of you, because you love her and you trust her.
ए सुजी, इफ आई कैन लव हर आई कैन किल हर एज़ वेल। दुनिया के किसी भी कोने से उसे मैं ढूंढ निकालूंगा। मैं अपने हीरो के लिए कुछ भी कर सकता हूं। हे अंग्रेजी बिल्ली, तुम इस मिशन से आउट। इफ यू वांट टू शूट शूट, डोंट वेस्ट योर बुलेट्स। अब मुझे हीरे चाहिए। बता हीरे कहाँ हैं? कैसे यकीन दिलाऊं तुम लोगों को? अरे हीरापुर के पास नहीं है। तू झूठ बोलता है। नहीं नहीं सब सब हीरा नापुर के पास है, ना डैनियल के पास। हमारी गैंग मेंबर निशा हीरे लेके फरार हो गई है। सर, इसकी शक्ल बंदर जैसी है, लेकिन ये आदमी है, ये झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब। क्या करूं मैं साहब, साहब गॉड प्रॉमिस, मैं आपके सर की कसम खा के बोलता है, निशा हीरे लेके फरार हो गई है। सर, ये झूठ बोलता है। शट अप, उल्लू के पट्टे हो तुम। जी सर। ना तुम्हें दूसरों की कदर है, ना अपनी कदर है। जो शख्स मेरे सर की कसम खाता है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। जब ये कह रहा है कि हीरे निशा के पास हैं, तो हमें किसको पकड़ना चाहिए? बोलो बोलो। निशा। हाँ। सर, निशा को पकड़ने का केस मुझे दे दीजिए। नहीं, अब ये केस मैं अपने जैसे किसी शातिर दिमाग और इंटेलिजेंट आदमी को दूंगा, जो अपनी जान की बाजी लगा कर भी वो हीरे मेरे पास ला सके। खबरदार, जरा भी हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। फ्रीज सर, फ्रीज, लवली सर, होल्ड ऑन, बिल्कुल ऐसे ही रहिएगा, बिल्कुल हिलेगा नहीं। वाओ, ग्रेट सर, आपने इस तरह गोली किस पर चलाई थी? अंडरवर्ल्ड डॉन गावली पर। सर, आपको उससे डर नहीं लगा? डर? और मुझे डर? मुझसे कोसों दूर भागता। ग्रेट सर, ग्रेट सर, आपने उस मशहूर स्मगलर याकूब टुंडा को कैसे पकड़ा था सर? इट्स ऑल हियर। मैंने क्या किया? मैंने टुंडे की बीवी को किडनैप किया, फिर उसके कपड़े पहनकर, बीवी के कपड़े पहनकर मैं टुंडे के कमरे में जाकर छुप गया। टुंडा आया, उसने मुझे अपनी बीवी समझकर पकड़ लिया और मैंने उसे दबोच लिया। Oh, you are genius, sir. You are genius. Too good. It's simple, my dear. Sir, okay, okay, let's go, let's go. Sir, sir, no more question. Question, no more questions. Sir, I'm in a hurry. Sir, no. Sir, एक आखिरी सवाल। बोलिए। सर, आपका अगला निशाना कौन है? मेरा अगला निशाना है अबू मिर्ची वाला। क्रिस सर, सर, वो तीन बार ऑलरेडी आपको मारने की धमकी दे चुका है, काय को प्रेस में बूमा बूम कर रहे हैं। हाँ, बोलने में क्या जाता है? सर, सर, क्या है, कौन है? सर, मैं डॉन अबू मिर्ची वाला की खबर लेके आया हूँ। मेरी धमकी सुनते ही मर गया क्या? नहीं सर, वो तो जिंदा है, लेकिन आपके मरने की बारी आ गई है। क्या बकवास कर रहे हो? सर, मैं बकवास नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ। अबू मिर्ची वाला इसी शहर में, इसी शहर के होटल ब्लू मून के कमरा नंबर 420 में आपको टपकाने का प्लान चल रहा है सर। इंस्पेक्टर मोरे, कम हियर। इंस्पेक्टर मोरे रिपोर्टिंग सर। आई नो यू आर रिपोर्टिंग। एक काम करो, एक मिनट सर। हाँ, ओके, थोड़ा ऊपर करो। तुम ऐसा करो, रूम होटल ब्लू मून में जाओ, वहाँ के 420 कमरे के बाहर 25% लोगों को रखो, 25% लोगों को उसके अंदर, नहीं अंदर नहीं, लिफ्ट में रखो, 35% लोगों को दरवाजे के पीछे रखो, और 15% लोगों को आप स्विमिंग पूल के ऊपर रखो, और उसके बाद जो है सर, 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 100% हो गया। 100% हो गया। Come on, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। आई एम गोइंग टू कैच अबू मिर्ची वाला लाइव। गाड़ी आगे लेना, ये चल ना ढीले, ये गाड़ी ले बे। ए बाबा, जिंदा है कि मर गया? जिंदा है बे। चलो चलो जल्दी अंदर ले जाओ। नहीं हो गया ना तेरा? चल भटकने का, चल 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 निकल। बे भाई, घबराने का नहीं भाई, सब सेटिंग हो गया है। क्या है, हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ को है ना जेब में नोट पानी डाल दिया है। एक थोड़ा सियाना बन रहा था, उसको खर्चा पानी भी दे डाला।
अब कोई टेंशन नहीं है भाई, आपको जितना दिन सोने का ना इधर सो सकते हो होटल के माफिक। अरे खोचू, अपन इधर आराम करने के लिए नहीं आया, डिसिप्लिन लांबा को लंबा करने के लिए आया है। साला पेपर में बहुत बड़ा चढ़ा कर बात कर रहे है ना, साले का मेरे को बोलती बंद करने का है। तो हो जाएगा ना भाई, हो जाएगा, टेंशन लेने का नहीं देने का। अबे खोचू, वो डीसीपी साला बहुत चालाक आदमी है, वो साला कहीं भी किधर भी भेज बदल कर पहुंच जाता है साला। और तो बोलता है साला टेंशन नहीं लेने का। भाई लेकिन आज तो आपने उसको टेंशन दे डाला ना धोखा डाल के। हाँ भाई। भाई आपने ही तो खबर भिजवाया होटल ब्लू मून का। हाँ। आ गए ले इधर हॉस्पिटल में। क्या बात है, क्या भाई, क्या दिमाग पायला। चलिए भाई चलो निकले यहाँ से, चलो वंटा सो जाओ, चलो। ठीक है भाई, ठीक है भाई, डरना नहीं भाई। वो डीसीपी साला अपने को ढूंढेगा होटल ब्लू मून में, और अपन अस्पताल से उस साले का गेम बजा डालेगा। अरे इतना बड़ा फॉर्म भरेगा तो उधर पेशेंट मर जाएगा, मैं खाली साइन करता है, बाकी तुमको जो मर्जी बढ़ो, हाँ बढ़ो चलो। अरे बाबा क्या है, देख के चलने का बाबा। एक बात बताइए, आप अबू मिर्ची को पकड़ने के लिए होटल ब्लू मून जाने वाले थे बराबर, उसकी जगह पे इधर क्यों लेटे हैं? क्योंकि मैं मर चुका हूँ। आप कौन? अबू मिर्ची। मुझे माफ कर दो। अरे सर मैं चंदी रमानी हूँ सर। अबे चंदी रमानी। सर ये सब चक्कर क्या है सर? अबे घन चक्कर, ये सब चक्कर तेरी समझ में नहीं आएगा। अबू मिर्ची की गोली खाने से बेहतर है कि अस्पताल की गोली खाकर मर जाऊं। लेकिन सर उधर अबू मिर्ची कानून की आंखों में मिर्ची झोंक के निकल गया तो? अबे घन चक्कर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वहाँ पुलिस पहुँचेगी, जैसे उसको पकड़ेगी फोटो खिंचवाने के लिए मैं पहुँच जाऊँगा। अब तू जा मुझे वार्ड के अंदर ले चल। सर एक और बात पूछूं? पूछो। आप अबू मिर्ची से बहुत डरते हैं ना सर? डरता हूँ, बहुत डरता हूँ, बहुत डरता हूँ, अंदर ले चल अब। ले जाऊंगा सर, डीसी भी होके डरना अच्छी बात नहीं है। अरे वार्ड बॉय। बचपन से अंधा है क्या? नहीं, बचपन से अंधा हूँ। लगता है बचपन से बहरा भी है। बचपन से बहरा भी हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा अबू मिर्ची। अबे मेरा नहीं तेरा। तेरा नाम अबू मिर्ची है? हाँ। डीसीपी साला, तो तू डीसीपी है क्या? तूने साला मेरे नाक में दम करके रखा है, बोल अब किधर जाएगा, बोल। डीसीपी का मतलब डाइंग सेंटर फॉर पेशेंट्स भाई। साला इंग्लिश बोलता है। देखे अभी शोर नहीं करने का, बवाल नहीं करने का, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप पुलिस अस्पताल के वार्ड में छिप कर बैठा है क्या? मुझको खुद को भी नहीं पता चल रहा कि तुम इस अस्पताल के वार्ड में छुप कर बैठे हो। गुड मैन। गुड बैड मैन। है मेरा मतलब डीसीपी बैड मैन। कभी अपने को मरना तो एक ना एक दिन है, पर मरने से पहले वो डीसीपी का छोटा 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 टुकड़ा करके मेरे को कुत्ता बिल्ली को खिलाने का है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? उससे पहले ही मर जाएगा। भाई किधर जा रहा है? अच्छा जा जा कर क्या। ए सुन, मेरी तरफ से भी कर क्या। अबे हंस जोकता हंस। हाँ भाई। अरे नहीं यार, अय्याशी चल रही है। पुलिस पुलिस, अबू मिर्ची पुलिस, अबू मिर्ची, अबू अबू मिर्ची पुर्ती। लेकिन आपने अपने दिमाग का क्या इस्तेमाल किया सर? आप मरीज बनकर हॉस्पिटल में आए और आपने पता लगा लिया कि अबू यहाँ छुपा है, लेकिन ये सब कैसे किया आपने सब कुछ? मैडम जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आई एम एन इंटेलिजेंट ऑफिसर। मैं हमेशा दुश्मन से चार कदम आगे की चाल सोचता हूँ। मैं ही नहीं बल्कि हमारे सारे खानदान के लोग ही ऐसे हैं। अच्छा अच्छा सर। जैसा कि आप जानते हैं, माय फादर वाज ए फ्रीडम फाइटर, माय एल्डर ब्रदर, मेरा जुड़वा भाई सिर्फ 5 मुझसे बड़ा है। ही इज द आर्मी इन द कर्नल, आई मीन ही इज अ कर्नल इन द आर्मी।
और मेरे बारे में तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन सर मैंने सुना है आपका एक बेटा भी है, क्या वो भी आपके खानदान की तरह देश की सेवा करेगा? मेरा बेटा तो वो करेगा मैडम जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। क्या बोलता है सब जलता है, हर लफड़े का हल मिलता है। क्या बोलता है सब जलता है, हर लफड़े का हल मिलता है। तेरी मेरी मेरी तेरी आंखें देखे हेरा फेरी, गलती यहाँ से मारो। ओ जाने भी दो यारो, ओ जाने भी दो यारो, पक्का है सर पक्का है, गुस्सा बड़ा बिड़ चढ़ता है। तेरी मेरी मेरी तेरी आंखें देखे हेरा फेरी, गलती यहाँ से मारो। जाने भी दो यारो, जाने भी दो यारो, जाने भी दो यारो, जाने भी दो यारो। दही काय को कर रहे लाए, हाफ फ्राई बना के दीवार पे फ्रेम बनाकर चिपका दूंगी, समझा क्या? श्याने चल हट। जाने भी तो यारो, जाने भी तो यारो, जाने भी तो यारो, जाने भी तो यारो। गले में हड्डी बना के नहीं अटकाने का, क्या डिस्को में जाने का, मौज बनाने का, रेट गिरे उससे पहले बढ़ जाने का। जाने भी दो यारो, अरे जाने भी दो यारो, अरे जाने भी दो यारो, अरे जाने भी दो यारो। डीसीपी साहब, 30 साल की मेरी कैरियर में ऐसा स्टूडेंट मैंने देखा नहीं। थैंक यू वेरी मच। अरे क्या थैंक यू वेरी मच, मेरी मेडिकल कॉलेज का सत्यानाश कर दिया है। खुद तो बिगड़ा हुआ है, दूसरे स्टूडेंट्स को भी बिगाड़ रहा है। मेरी बात का यकीन नहीं आता है तो पूछो, पूछो उसकी क्लासमेट डॉली से पूछो। जी सर, उसने एग्जाम में पूरी की पूरी कॉपी की देखा है। देखा? अरे सर, सरकार आपके काम से खुश होकर आपको मेडल देने की सोच रहा है।
और आपका बेटा आपके किए कड़ाए पे ठंडा ठंडा पानी फेर रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सरकार आपको मेडल देने की जगह पे आपके हाथ में इस्तीफा दे देगा सर। नहीं, नहीं, नहीं। कमिश्नर साहब, आपकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता मालूम है? नहीं। मेरे लड़के को बस के नीचे दबा देता, जिंदा जिंदा उसको दफना देता। तो अब तक क्यों नहीं किया प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर? क्योंकि आपका बेटा है इसलिए। अरे यही तो आप परसेंट में मार खा जाते हैं। सरकार आपको 100% देती है बच्चों को सुधारने के लिए। अगर आपने 50% भी इस्तेमाल किए होते तो मेरा बेटा 25% सुधर जाता। मैंने इतनी मुश्किल से बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया कि बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, लाखों बच्चे पैदा करेगा। लाखों बच्चा पैदा करेगा तो हिंदुस्तान का क्या होगा? अरे हिंदुस्तान का जो होना है सो होगा, मेरा मतलब अस्पताल में जाकर पैदा करेगा यार। वो कुछ भी करेगा लेकिन मैं उसके साथ क्या करूंगा मालूम है? उसके खिलाफ एक्शन जरूर लूंगा। अब तुम्हें कुछ नहीं करना होगा प्रिंसिपल, जो कुछ भी करना है मुझे ही करना है। राजा 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 राजा। क्या हुआ? तू पटे बांस की तरह शोर मचा रहे हो? कितनी बार कहा ये घर है तुम्हारा थाना नहीं। कहां तुम्हारा नालायक बेटा, आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। Hey Dad, I'm here. What's your problem? My problem is you. ये जिस रस्सी से लटका हुआ है ना, उसी को फंदा बनाकर लटक जा। आखिर बताओगे भी कि क्या किया है मेरे बेटे ने? क्यों कोस रहे हो? क्या किया है? कॉलेज में कॉपी करके पैदा हुआ है। क्या? मेरा मतलब है कॉलेज में कॉपी करके पास हुआ है। क्या सबूत है आपके पास? सबूत? तेरे कॉलेज का प्रिंसिपल और वो तेरी क्लास फेलो डॉली, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? और नहीं तो क्या, आजकल तो झूठ का बोलबाला है और खास करके आपके डिपार्टमेंट में तो सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। शाबाश बेटा। चुप कर। अरे जा बड़ाया हरिश्चंद्र की औलाद। हरिश्चंद्र? हरिश्चंद्र नहीं डैड, मैं आपकी औलाद हूँ। देखो मम्मी, डैड आपको बदनाम करने में लगे हैं। देखो जी, तुम ना जबान संभाल के बात किया करो। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि मेरा अफेयर शादी से पहले हरिश्चंद्र के साथ नहीं, दिलीप चंद्र के साथ था। जब भी हरिश्चंद्र की बात होती है तुम दिलीप चंद्र को बीच में से क्यों ले आती हो? फिर शुरू किए ना गड़ी मुर्दों को। यू आर राइट मम्मी। तू नीचे आता है या मैं ऊपर आऊँ? मैं नीचे नहीं आता। तो फिर मैं ऊपर आता हूँ। आप ऊपर नहीं आ सकते। अरे क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मैं नीचे आऊंगा। मैं आ गया डैड, राइट मॉम? लेकिन आप मुझे नहीं छू सकते। अरे क्यों नहीं छू सकता? क्योंकि आप मुझे पकड़ ही नहीं सकते। अरे क्यों नहीं पकड़ सकता? टच मी इफ यू कैन। कैच हिम। कैच हिम? बच गए डैड। पकड़ो पकड़ो मेरा बैग। क्यों कमिश्नर, नकली शेर से डर गए? हे डैड, यू आर वेलकम। डैड की नस नस तो मैं बचपन से पहचानता हूँ, कब कौन सी दवानी है अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन यार ये डॉली ने प्रिंसिपल को बता के अच्छा नहीं किया। हाँ यार, लेकिन डॉली तो हमारी बेस्ट फ्रेंड है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आने दे डॉली को, देख आज मैं उसकी कैसी बैंड बजाता हूँ। हाय जॉन। हाय ब्यूटीफुल। हाय। नमस्ते मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। सर सर। एक्सक्यूज मी सर। सर आज मैं आपको एक हॉट न्यूज देने वाली हूँ। आप मुझको हॉट न्यूज? क्या है क्या? सर आज डॉली का बैंड बजेगा। डॉली के पास बैंड भी है क्या? ओह गॉड, नॉट दैट काइंड ऑफ बैंड सर। तो फिर कौन सा बैंड बजने वाला है? आज डॉली की रैगिंग होगी। राजा उसकी रैगिंग लेगा जिसे उसने कभी मेरी ली थी सर। राजन ने आपका भी रैगिंग किया था? रैगे बॉन्ड? नो सर, ही इज वेरी गुड। मैंने उसे प्लानिंग करते हुए सुना है लैब में कि वो डॉली की रैगिंग करेगा। ओह माय गॉड, अरे डॉली कहाँ है? डॉली और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और डॉली, इनका तमाशा आज देखेगा पूरा कॉलेज। डॉली, डॉली, सुनो सुनो, मैं हूँ डॉली। यस सर। डॉली, बात यह है कि अपना राजा ने तुम्हारा बैंड तो नहीं बजाया ने?
नहीं सर, मेरे पास तो कोई बैन नहीं है। डोंट टेक मी लिटरली, व्हाट आई मीन टू से इज कि राजा ने तुम्हारे साथ शरारत तो नहीं किया ने? नहीं। चलो थैंक गॉड। देखो याद रखना, तुम्हारा भला के लिए कह रहा हूँ, बच के रहना। वो एकदम थर्ड रेट लड़का है, वैगेबोन है, कुछ भी कर सकता है। रियली आई एम टेलिंग यू, अगर वो तुमको कुछ खाने को दे तो नहीं खाना, तुमको पीने के लिए दे तो नहीं पीना, तुमको बॉयल दे जावे तो नहीं जाना। रियली फॉर योर ओन गुड आई एम टेलिंग यू। नाउ डू वन थिंग, लिसन नाउ, ट्रीट मी लाइक योर ग्रैंडफादर। नहीं 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 नहीं, फादर 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 रखो, अच्छा लगता है। अच्छा चलो चलो आगे, चलो आगे चलो। हाँ कुछ भी शरारत करे ने कंप्लेन कर देना, मैं इसके बाप को बता दूंगा। ओके ओके, बाय सर, बाय बाय, थैंक्स फॉर योर एडवाइस सर, टेक केयर, बाय बाय। कितना बाय के बोलते हैं सर। हाय डॉली। अरे अभी अभी प्रिंसिपल साहब ने बताया कि तुम। प्रिंसिपल ने जो बोला वो छोड़ो, जो होने वाला है वो सोचो। क्या होने वाला है? डैड कॉलेज में जो कुछ भी हुआ बाय मिस्टेक हुआ, उसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर? कसूर तो मेरा है कि तेरी जैसी औलाद पैदा की जिसे अपने खानदान की इज्जत की जरा भी फिक्र नहीं है। रोको मुझे। डैड आपको अपनी इज्जत की इतनी परवाह नहीं होगी जितनी मुझे आपकी इज्जत की परवाह है। और वैसे भी मुझे जो आपके बारे में टिप्स मिले हैं ना, अगर मैंने मॉम को बता दिया ना तो सोचिए क्या होगा। क्या टिप्स? बताओ अभी बताता हूँ। देखिए में दो लड़कियां हैं, राजा की दोस्त हैं। डैड वो किसकी फ्रेंड्स हैं वो खुद बताएंगी। अच्छा बताओ बे, बताओ। आज आपने मिलने के लिए कहा था, बहुत इंतजार करवाया, आप नहीं आए इसलिए मैं घर आ गई। स्वीट शट अप। चलो चलो भाई चलो। हाँ चलो। यू इडियट। ओह हनी, हम पे क्यों गुस्सा करते हो? अगर तुम्हें घर पर नहीं अच्छा लगता तो हम पहले की तरह ऑफिस आ जाया करेंगे। क्या बकवास कर रही हो? बकवास तो तुम कर रहे हो। ऐसे पति की पत्नी होने से तो अच्छा है कि मैं विधवा हो जाऊं। ये लो तोड़ दिए चूड़ियां, पोंछ दिया सिंदूर, ये मंगलसूत्र भी ले लो अपना। राजा माँ, बेटा मेरा मन कर रहा है मैं कहीं जाके मर जाऊं। नहीं मामा, आप कहीं नहीं जा सकती, आपको मेरे लिए जीना है। जाने देना मुझे। माना डैडी से गलती हो गई लेकिन उन्हें माफ कर दीजिए, वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। डैड आप दोबारा तो ऐसी गलती नहीं करेंगे ना? दमन नहीं करूंगा। सॉरी बोलो। देखो मॉम, अब तो उन्होंने भी गलती मान ली है, अब आप ऊपर चलिए, आप थक गई हैं। प्लीज मॉम। सर अभी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आपके वांदे हो जाएंगे। आपका लड़का आपसे बहुत इंटेलिजेंट है। एक बात बताइए, वो आपके बाजू में वो साइंटिफिक रहते ना, हरिश्चंद्र, दिलीप चंद्र साइंटिस्ट। हाँ वही वही वही। भाभी जी को मैंने उनके घर पे कई बार जाते आते देखा है। भाभी जी का भाई है, राखी बांधने जाती है। हफ्ते में 2-3 बार राखी बांधने जाती है। क्या करूँ क्या ना करूँ, राजा ने तो मुझे परेशान करके रख दिया, आज इसने मुझे ही मेरे घर में जलील किया, कल दुनिया के सामने जलील करेगा, मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, सरकार से मिलने वाले मेडल छिन जाएंगे। मेरा बेटा मेरी तरक्की के रास्ते में रुकावट है, अगर मुझे जिंदगी में मान सम्मान चाहिए तो पहले राजा को कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन क्या सोचूं क्या सोचूं क्या सोचूं। हाँ। भैया इस मुसीबत से सिर्फ मुझे आप ही बचा सकते हो, मैं कल ही राजा को आपके पास डिसिप्लिन करवाने के लिए भेजता हूँ। भैया ये अंधेरे में किससे बातें कर रहे हो? अभूत अभूत अभूत। अरे मैं ही दमो। दमो? मुझे लगा कोई ज़ीब्रा अपने कमरे में घुस आया है। चुप। तुम्हारे डर की वजह से मैं अंधेरे में भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। और कुछ करने की कोशिश भी मत करना। अब चलो ना, मुझे नींद आ रही है। नहीं चलो ना भैया। अच्छा नहीं मारूंगी। नहीं करूंगी। चलो ना, कुछ करोगी तो नहीं? नहीं नहीं डरो मत। चलो एक बात बताओ, तुम अपने बेटे को सुधरते देखना चाहती हो? वो तो सुधरा हुआ है, मैं तो तुम्हें सुधरते हुए देखना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हारा बेटा एक अच्छा इंसान बने, क्या तुम ऐसा नहीं चाहती हो? अच्छा तो है, पर अगर तुम उसे और अच्छा बनाना चाहते हो तो बना लो। तो तुम
वादा करती हो कि तुम मेरे बीच में नहीं आओगी? नहीं आऊंगी। सच दम्मू? एकदम सच। आप कमिश्नर मेरे पीछे मत रोज धक्का देके भाग जाते हो। बेटा मैं तुझे अपने भाई साहब के पास इसलिए भेज रहा हूँ ताकि तू 100% अपने पांव पर खड़ा हो सके, जैसे तेरा बाप खड़ा हुआ है, जैसे तेरा दादा खड़े हुए थे, जैसे तेरे परदादा खड़े हुए थे, जैसे वो। ओके 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 डैड, अब देखना, अब मैं आपको अपने पैरों पे कैसे खड़े होके दिखाता हूँ। वेरी गुड राइट मॉम। बेटा कॉलेज की छुट्टियों में पहली बार तू मेरी नजरों से दूर जा रहा है। पहली बार नहीं, दूसरी बार, एक बार पहले भी चाचा के पास गया। तुम बीच में जरूर बोलना। देख अपना ख्याल रखना, टाइम से खाना खाना और जूस पीना मत भूलना। अरे मैंने उसकी गाड़ी में जूस, संतरे, सेब वगैरह सब रख दिए, अब जल्दी जाओ नहीं तो वो सब बड़े बड़े सड़ जाएंगे। ओके डैड, बाय डैड, लव यू डैड। बाय। एक मिनट बेटा, एक मिनट। मैंने तेरे लिए सेकंड हैंड मोबाइल लिया है। वाओ, ये सिर्फ तेरे काम आएगा। और शायद सॉरी डैड, ये फोन तो मुझे परमानेंटली डिस्कनेक्ट करना ही पड़ेगा, वरना हर 2 घंटे में आप मुझे परेशान करते ही रहेंगे। हेलो हेलो भाई साहब, मैं इंद्रमोहन बोल रहा हूँ भाई साहब। मैं आपका भाई साहब नहीं, इधर का वॉचमैन बोल रहा है। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया कौन बोल रहा है? आपने तो मैं बोलने का मौका ही नहीं दिया, आप बोलता ही चला जा रहे हैं। अच्छा तो चुप करो, भाभी को फोन दो। हूँ साहब जी, आपका जो भाभी है ना वो भाग गया। भाग गया? भाग गया? कहाँ गया? वो भाग गया। कहाँ गया भाभी? भाग गया साहब, भाग गया। कहाँ भाभी? भाग गया। भाई साहब मैं यहाँ हूँ। किधर हो? भाई साहब मैं यहाँ हूँ। भाभी आप यहाँ अचानक? सब ठीक तो है ना? कमिश्नर आ रहा हूँ। कहाँ है आपका वो नालायक बेटा? क्यों, क्या किया उसने? पहले बताइए तो सही, फिर बताती हूँ क्या किया उसने। मैंने तो उसे सुधारने के लिए 100% फिर से भाई साहब के पास भेज दिया भाभी। हे भगवान, फिर से आपने उसे वहाँ भेज दिया, अब दोबारा वो वहाँ जाकर ना जाने क्या क्या करने वाला है। क्या हुआ, क्या कर दिया मेरे बेटे ने? घर में एक काम था जो तुम भी चली आई हो मेरे बेटे की शिकायतें करने वाली। अरे तुम नहीं जानती हो दामिनी, पिछली बार तुम्हारे बेटे ने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया था। हाँ हाँ, सब कुछ तो मेरा बेटा ही करता है, तुम लोग तो जैसे कुछ करते ही नहीं। अपनी औलाद तो पैदा नहीं की और मेरी औलाद के पीछे पड़े सब हाथ धोके। चुप करो दम्मो। तुम चुप रहो। ओके मुझे बताओ क्या किया मेरे नालायक बेटे ने। क्या बताऊं भाई साहब, पिछली बार जब आपका बेटा हमारे पास आया था तो वो आपके भाई साहब को बिगाड़ कर चला गया। क्या? ऐसा किया उसने? उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरे भाई साहब को बिगाड़ दिया। बैठ जाओ। ओके। अरे भाई साहब तो क्या, अगर वो परलोक भी चला गया ना तो भगवान को भी बिगाड़ देगा। आप तो जानते हैं आपके भाई साहब अपने उसूलों के कितने पक्के थे, लेकिन आजकल आजकल लड़कियों के पीछे फूल लेकर घूमते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर होने क्या नहीं देंगे भाई साहब, जो होना था वो तो हो चुका है। अब तो सारा दिन लड़कियों के बीच घिरे रहते हैं। 100% सारा दिन लड़कियों के बीच में घिरे रहते हैं। लकी मेरी बीवी मुझसे झगड़ा करके नाराज होकर कहीं चली गई। हाँ, और मुझे लगता है कि वो किसी भी ट्रेन में वापस आ जाएगी। हाँ, इसलिए मैं आपसे ट्रेन की टाइमिंग पूछता रहता हूँ। अगर आपको कहीं दिखाई दे तो प्लीज उसे रोक देना टीसी साहब। हाँ, मगर कमाल मैं उसे पहचानूंगा कैसे? ये मेरी बीवी का फोटो है। हाँ, जवानी की। जवानी की नहीं, अभी की है। हाँ, अच्छा अच्छा, अगर आपको कहीं दिखाई दे तो जरूर इन्फॉर्म कर दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको इत्तला कर दूंगा। टीटी जी, थैंक यू टीटी जी। हाँ निश्चिंत रहिए बिल्कुल। ऐसे आपकी ड्यूटी कितने बजे तक की है? अमूमन 9 बजे। 9 बजे तक? तब तक तो काम हो जाएगा, 9:30 भी बज जाते हैं। जय राम जी की रस्तों की जी। अरे जय जय राम जी की। भाटिया जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? अरे बिल्कुल ठीक है यार। अरे 300 किलोमीटर दूर क्या चलेगा, आज शक्ल दिखा रहे हैं यार। बस कुछ जरूरी काम था इसलिए आना पड़ा। हाँ हाँ, वैसे आज आप कुछ उदास से नजर आ रहे हो। अरे मैं उदास नहीं यार, वो आदमी उदास था जिसकी बीवी खो गई है, चक्कर लगा रहा है, फोटो दे गया है, कह रहा था कि अगर मिल गई तो इत्तला कर देना। देखो फोटो, तुम्हें मिले तो बता देना। और क्या, ये तो मेरी बीवी की फोटो है। तुम्हारी बीवी? हाँ रस्तोगी जी, कसम से ये मेरी बीवी की फोटो है। अरे क्या बात कर रहे हो यार,
जरूर वो टकला आदमी होगा। टकला? रस्तोगी जी, हाँ। जब मैं आपकी जगह पर था, हाँ। तो वो यहाँ पर बार बार आकर गाड़ियों का समय पूछा करता था। हाँ। अब मैं तो यहाँ स्टेशन पर होता था और वो मेरे घर में मेरी बीवी के साथ। अबे! इतनी देर से खटखटा रहा हूँ, तुम दरवाजा नहीं खोल सकती थी? अरे आप तो बस खटखटाई जा रहे हैं, खटखटाई जा रहे हैं। अरे आपको मालूम होना चाहिए ये हॉस्पिटल है, यहाँ शोर मचाना मना है, मरीजों को डिस्टर्बेंस होता है ना। डिस्टर्बेंस तो मुझे भी बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए मैं देखने आता हूँ यहाँ कैसे कैसे मरीजों का इलाज हो रहा है। और जब यहाँ कोई नहीं है तो तुमने दरवाजा बंद करके क्यों रखा था? वो मैं कपड़े बदल रही थी। अरे कपड़े बदल रही थी, पति तो नहीं बदल रही थी? कपड़े तुम घर से बदल कर आई थी और यहाँ कोई चेंजिंग रूम तो है नहीं, फिर यहाँ कपड़े क्यों उतार रही थी? अरे आप तो बस कुछ भी बोलते हैं, अब मैं किसी भी रूम में कपड़े उतारूं उससे आपको क्या लेना देना है? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ और पति को सब मालूम होना चाहिए कि उसकी पत्नी क्या कर रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। हेलो सर, वो टकला आदमी फिर से आ गया। व्हाट डू यू मीन बाय टकला? व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग? आई मीन सॉरी, वो रिश्वत देने वाला आदमी फिर से आ गया। अच्छा, लेडी फूल, भेजो उसे अंदर, आज मैं देख ही लेता हूँ कि वो है कौन। ओके सर। एक्सक्यूज मी, मे बी कम इन सर। अच्छा तो यही है वो टकला जो मुझे रिश्वत देना चाहता है। कम इन, कम इन, कम इन, कम इन, कम इन, कम इन। आई मस्ट से कि मैंने आज तक तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा। ओह थैंक यू वेरी मच सर। आई डोंट सिट डाउन, डोंट सिट डाउन, कीप स्टैंडिंग, कीप स्टैंडिंग। मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी तुम बार बार अंदर चले आते हो, अंदर चले आते हो, चले आते हो क्यों? बार बार? मैं तो पहली बार आया हूँ सर। अच्छा तो तुम झूठ भी बोलते हो हा? वो जो कई बार पहले आ चुका है वो क्या तुम्हारा भूत था? अरे जब मैंने तुम्हें एक बार कह दिया है कि तुम्हारे बेटे ने रेप किया है तो बच कैसे सकता है? रेप किया है? मेरे बेटे ने? कैसी बातें कर रहे हैं सर? सर मेरे को तो पहले से ही डाउट था, आपका बेटा एक दिन बड़ा होकर जरूर रेप करेगा। उधर उसने रेप किया, इधर आपके करियर का रेप हो गया सर। अभी आपके हाथ में मेरे को इस्तीफा दिख रहा है सर। ओ मेरे भगवान सर, ये बात आपने किसी से बताई तो नहीं ना सर? ये बात तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंच चुकी है। मैंने उसे इतनी मिन्नतों से पाल पोस कर बड़ा किया और उसने बड़े होती मेरे चेहरे पर कालक पोत दी। अभी आप उइमा वॉशिंग पाउडर लगाकर धोने की कोशिश करेंगे ना तो भी मुंह साफ नहीं होएगा सर। तुम अपने उस नालायक बेटे के लिए मुझ जैसे शरीफ और ईमानदार ऑफिसर को खरीदना चाहते हो है? हेलो हेलो सर, ये टकला आपसे बाहर मिलना चाहता है। लगता है कि आज टकलों की बारात है। अगर वो टकला बाहर खड़ा है तो ये टकला कौन है? कौन है तुम? मैं सर वो बदनसीब बाप हूँ जिसके बेटे ने कुकर्म किया सर। लेकिन जिसके बेटे ने जुर्म किया है वो तो बाहर खड़ा है, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है? प्लीज टेल हिम। सर ये डीसीपी लांबा है सर। हेलो, ओ your DCP Lamba? Yes, I remember. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Thank you. Sir, मेरी तो जान ही निकल गई थी ना। No, I remember कि मैंने तो आपको एक
केस के सिलसिले में बुलाया था। अच्छा। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बहुत बड़ा केस देना चाहता हूँ। ये देखो, ये निशा है, इसे गौर से देखो। एग्जीबिशन से ये लड़की 500 करोड़ के हीरे लेकर भाग गई। अगर तुम ये केस सॉल्व करते हो और वो तमाम हीरे मेरे हवाले कर दो तो सरकार मुझे अशोक चक्र दे देगी। सर, आपको तो अशोक चक्र मिल जाएगा, मुझे क्या मिलेगा सर? मैं तुम्हें एक पुलिस मेडल दिलवा दूंगा। पुलिस मेडल? सर, पुलिस मेडल के लिए एक तो क्या, मैं आपको 100 निशाने दिलवा दूंगा सर। अरे नहीं, मुझे 100 निशा नहीं चाहिए, मुझे एक ही निशा चाहिए और वो भी यही। और निशा से भी ज्यादा जरूरी है मेरे लिए वो हीरे। क्या 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 क्या? बोलो 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 बोलो, क्या चाहिए, क्या चाहिए? हीरे। हाँ, हीरे। कुरादीन, हीरे मेरे पास है, मैं यहां से निकल रही हूं। Run up and you're sitting here eating? Go find her. God. Now. Come on, let's get her. Okay, yeah. And hurry up, please. Oh. I'm sorry. गुड ड्राइविंग, अच्छी गाड़ी चला लेती हैं आप। हाय। हाँ? बड़ा लंबा सफर तय करके आ रहा हूँ बिना ड्राइवर के, थक गया था, सोचा थोड़ा आराम कर लूँ, लेकिन मुझे क्या पता था आप जैसा हसीन ड्राइवर मिल जाएगा, अब तो सफर का पता ही नहीं चलेगा। देखिए, मैंने आपकी कार नहीं चुराई। हाँ, मुझे मालूम है आप मेरी कार चुरा ही नहीं सकती, क्योंकि ये मेरी कार है ही नहीं। मेरी कार तो गैराज में बन रही है, उसे ठीक होने में थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा चलो इस गाड़ी में आराम कर लूं। पर मैंने तो सुना था ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन ये तो स्टार्ट हो गई। स्टार्ट तो हो गई, लेकिन शायद रुके नहीं। What rubbish? नहीं नहीं, अब ट्राई करके देख सकती है, शायद रुक जाए, वैसे इसके ब्रेक फेल हैं। क्या? ये तो... Oh God! अब क्या होगा? होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा हमारे हाथ पांव टूटेंगे, हम अपाइज हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। ऐसे मेरा तो मेडिक्लेम और इंश्योरेंस दोनों किया हुआ है, आपने किया है कि नहीं? मैडम, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपने अगर किसी को मार दिया तो क्या होगा? पुलिस आएगी, आपको अरेस्ट करेगी, आपको 10-15 साल की सजा हो जाएगी, और क्या होगा? कहां मैं भी फंस गया, मेरे माँ बाप का क्या होगा, उनका मैं इकलौता बेटा हूँ। तुम मेरी हेल्प करने के बजाय
मुझे और नर्वस कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है? वरना हम दोनों मारे जाएंगे। तो मैं भी यही गाड़ी मिली थी, और कोई गाड़ी में बैठ जाती कम से कम इस गाड़ी को चेक तो कर लेती बैठने से पहले। अरे मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं बचा था, यही गाड़ी अवेलेबल थी जिसमें चाबी लगी हुई थी। एनीवे, मरने से पहले मेरा नाम तो जान लो। माय नेम इज राजा, व्हाट्स योर नेम? ओह जस्ट शट अप, नाइस नेम। गॉड, कितना ठंडा पानी था। एक तो ये ठंड और ऊपर से ये जंगल, पता नहीं कहाँ फंस गए। इसमें हंसने वाली क्या बात है? हंसू नहीं तो और क्या करूं? यू नो, ये तो वही बात हो गई, आसमां से गिरे और खजूर में अटके। यू नो, टेल यू समथिंग, लाइफ में पहली बार गाड़ी के साथ डाइव मारी है, हाउ एक्साइटेड। मेरी मानो, कपड़े बदल लो, एक्सीडेंट से तो बच गई हो लेकिन ठंड से नहीं बचोगी। बदलो तो कहो, बदलो। इतना बड़ा जंगल है, कहीं भी बदल लो। वैसे भी यहाँ है कौन मेरे सिवा तुम्हें देखने वाला? तेरे इंतजार में कट रहे हैं दिन, तुझसे मैं रहूं अब है ये मैडम। ये क्या ड्रामा है? ड्रामा नहीं मैडम, रियलिटी है। ऐसा हो भी सकता है, देखो घना जंगल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ कोई भी आके मुझे मार के तुम्हें यहाँ से ले जा सकता है। यहाँ मेरी जान भी खतरे में है मैडम, और तुम्हारी भी। मैं किसी से नहीं डरती। लेकिन मुझे तुमसे डर जरूर लगने लगा है। देखो ना, तुम मुझे यहाँ इतने दूर तक किडनैप करके ले आई हो। आई एम सॉरी। सॉरी, अगर यही काम मैंने किया होता ना तो तुमने आसमान सर पे उठा लिया होता। लेकिन मैं तो ऐसा कर नहीं सकता ना, क्योंकि मैं लड़का हूँ। साला यही कमी होती है हम लड़कों में, लड़की देगी नहीं कि पिघल गए, उसको अपना समझने लगते हैं, उसे प्यार करने लगते हैं। तुम्हारी ये बकबक। आपको तो मेरा जरा भी ख्याल नहीं है, इतनी ठंडी है, आपने सोचा है हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? ऊपर से तो मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। तुम्हें भूख लगी है ना, ये लो भूख लगी है ना, ये लो सैंडविच खाओ और मेरा भेजा खाना बंद करो। वाओ थैंक्स। तो पेट का तो इंतजाम हुआ, ना बिस्तर है ना चादर, हम सोएंगे कहाँ? ठीक, ऊपर से कांटे वाले झाड़, कितनी ठंडी है। ओ गॉड, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। तुम्हें ठंड लग रही है ना? अच्छा, इसका भी इंतजाम है? ये लो, ये पी लो, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। ठीक, अच्छे लड़के शराब नहीं पीते। अरे देखो, अगर तुम ये पी लोगे तो तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। पी लो, पी लो। और कुछ हो गया तो? मैं हूँ ना, पियो पियो। ठीक है, हाँ, इफ यू इंसिस्ट। अरे पूरी खत्म करो। कड़वी है। पीलो पीलो। पर टेस्टी भी है।
मजा आ गया यार, क्या चीज है। अब ठंडी छोड़ गर्मी छोड़, बोल कहा चलना है। हेलो हेलो हेलो, चलो अच्छा हुआ एफएम तो बंद हुआ। मीठी मीठी बेकरारी। ओ मेम साहब, भाई टैक्सियों की तो स्ट्राइक है, ऐसो कोई गड्डी बाहर नहीं जानी। एक बस जाएगी, कहो तो ओदी टिकट ले आ दिया। वो बस कहाँ तक जाएगी? बस तो मैडम बहुत दूर जाएगी। तुसी जाना कित्थे है? आप एक काम कीजिए, लास्ट बस स्टॉप तक की टिकट ला दीजिए। बस दी टिकट तो मेरे को है मैडम। कितने की है? 625 रुपए जी। ये लीजिए। थैंक यू। ओ पाजी मुबारका, तुहाडा काम कर छड्डिया है। मैडम नू बस दी टिकट फड़ा के भेज दिता है, और आपने जो पैसे दिए थे हड़ताल कराने वास्ते वो भी बांट दिए। ओ लवी सरदार जी, ते महाराज साडा इनाम शनाम। ओ इनाम शनाम तो तेनू सब मिल जाएगा। बेब्स अब बच के कहां जाओगी? अब तो तुम्हें पूरा सफर मेरे साथ बस में ही गुजारना पड़ेगा। मीठी मीठी बेकरारी। आओ जी आओ, प्रीतम का ढाबा आ गया जी। ओ जिसको खाना है खा लो, पीना है पी लो। मैडम जी आ वाली बस आ गई, आधे घंटे तक बस रुकेगी, उसके बाद आगे जाएगी। ओ नमस्ते बाबा जी। ओ जी नमस्ते नमस्ते। यहाँ पर खाना मिलेगा। ए मामा चला चला पॉलिश करा, शक्ल नजर आनी चाहिए इसके अंदर। जब भी आते हो फुकट में पॉलिश करके जाते हो और बोलते है शक्ल नजर आना चाहिए। अरे इतने पैसेंजर लाके देता हूँ, कभी कमीशन मांगा मैंने? है, है, चल चल चमका हो इसको। गया हो गया, चल घंटी बजा। थूक लगाता है कभी दूध लगा के। कह रहे का रे गगा, का जाला लालू लालू। अरे बोले आ आ बरे ना। अरे तुम दोनों इधर कैसे? अरे तेरे को मिलने को आया। मेरे को नहीं, दुकान को। नहीं रे नहीं, सच्ची बोलेगा तो हम लोग किसी को ढूंढ रहे। अभी ढूंढते ढूंढते भटकते भटकते इधर तक आ गए, तो सोचे चलो अपने गांव के ताऊ को भी मिलके चलते। मिल थे। अरे काय को तुम दोनों इधर उधर भटकते है? मैंने तुमको कितना दफा बोला है अपना खानदानी धंधा है वो कर। क्या बोलने का रे तुम दो? ए, तू कुछ ना को बोल रहे बाबा, तू सिर्फ दे वाला प्रार्थना कर। देख हम लोग जिसको ढूंढते ना उसको मिलने दे, तेरे को गांव में चप्पल का फैक्ट्री खुलवा देगा मैं। अरे बाबू मेरे को फैक्ट्री। हाँ देख अभी तू फैक्ट्री का मालिक हो गया ना, जल्दी करके दो चाय लेके आ। एकदम स्पेशल मलाई मलाई मार के। अरे दो नहीं तीन, तीन तू भी तो पिएगा। बहुत खुश हो गया था। देख अभी तू मेरे को बार बार बोलना नहीं, भूख लगा भूख लगा। नहीं 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 बोलेगा। लेकिन बाबा तू मेरे को एक बात पक्का बता। बोल। उसको फैक्ट्री दिलाने से पहले मेरे को एक जोड़ी चप्पल दिलाएगा ना? दिलाएगा रे। वो लड़की को ढूंढते ढूंढते देख मेरे चप्पल में छेद हो गया, पूरी दुनिया देख। ये कालू कहाँ जा रहे? जरा छेद में से देख, तेरे को भी वही दिखता है जो मेरे को दिखता है। आ देख। अरे ये तो वही चीरा है जिसको हम ढूंढते। हीरा? अरे तो हीरे वाली लड़की वही तो। अभी हम इसको चोरी करते हैं। हाँ। लेकिन इस बार मेरे को कोई गड़बड़ नहीं मांगता है। नहीं, है नहीं नहीं नहीं, चल अभी एक मिनट, चाय आ रहा है ना, पी के चलते क्या? हाँ। ठीक। अरे लेकिन लड़की चला जाएगा। हाँ, मैं वही बोलने वाला था। तो चल किधर किधर लड़की को लड़की, पकड़ने चल, चलो भाई चल। अरे 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 लड़कियों का हाथ उठा दिया। थोड़ी ऐसी की तैसी, थोड़ी इन्नी हिम्मत, तुसी मैनू चुक लिया, जानते नहीं मैनू कौन है। कालू ए बाबा कालू, ये लड़की सरदार कैसे बन गया रे बाबा? अंधेरे में जाला कितना मारा मेरे को, बहुत मारा। उजाले में मारता तो कम से कम बोल तो सकता था, भाई इधर मत मार।
लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, दो दो बार लड़की चुराने गए, दोनों बार लड़का चोरी हो गया, कैसे? अबे अबे देख ना लालू, मेरे को ना एक आइडिया है। अभी क्या है ना, मैं ना लड़की के बिल्कुल ना नजदीक पहुंचे, उसको जांचेगा, उसको परखेगा, तब उसको चोरी करेगा, बराबर है ना? बराबर बराबर बाबा। चल अभी किधर? हीरे किसके पास? लड़की के पास। लड़की किधर? बस में। बस किधर? मेरी जेब में। जेब किधर? मेरी पेंट में। पेंट किधर? अरे इधर। इसको भी लेके चल। किधर? बस जिधर। हाँ चल बाबा चल। अरे उधर नहीं रे, उधर से दार जी। हाँ नहीं बाबा नहीं, अच्छा याद दिला बाबा, बहुत मारा उसने, बहुत मारा। पापा जी, ओए गड्डी क्यों रोकी यार? रास्ते च लड़कियां नाच रही हैं जी, की करिए? ओए तेरी तो। क्या फेस है, क्या फिगर है, हाँ, क्या डांस करती है, लेकिन तू आदमी अच्छा नहीं है। क्या रे बाबा, मैं क्या किया? अरे इतनी खूबसूरत बीवी को तू सड़क पर नचवा रहा है? जबान संभाल के बात करने का, बीवी होगी तेरी, मेरी बेटी है, बेटी बेटी। अरे बाप इतना छोटा और इतनी बड़ी बेटी कहाँ से आ गई? बचपन में हाथ से निकल गई थी। वो सब ठीक है, लेकिन तेरी जवान बेटी को सड़क पर नचवा कर उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद करता है? शादी करवा दे, संसार बसा दे। अभी तक मेरा शादी नहीं हुआ, उसका शादी कैसे कर सकता है? तेरा शादी नहीं हुआ तो इतना बड़ा बेटी कहाँ से आ गया? अरे बाबा उसको मैं गोद लिया है। गोद लिया है? तो गोद लिया हुआ बेटी को लेकर तू कहाँ जा रहा था? कितना सवाल पूछता रे बाबा। हे गंगू। हाँ बापू। अरे इसको बता रहे हम लोग किधर जा रहे हैं? हो मी लावणी करायला जात होती, माझी बस छुटली। वाह वाह, बरं झालं बस छुटली, अभी तू मेरे बस में आ जा। ए बस वाले, बाप का माल समझाए क्या? नहीं, माल तो तेरा है, मैं लेके जा रहा हूँ। तो बाप किधर जाएगा? पीछे पीछे आने का। गाती अच्छा है, बाबा चेक करके गोद लिया है। चलो ना। किधर है वो? इधर सीट। अच्छा सीट, वो पीछे है ना, दो सीट खाली है, हम दोनों पीछे बैठेंगे, बहुत मजा करेंगे। पीछे पीछे नहीं बैठेगी, मैं पीछे का सीट बहुत झटका देती है, प्रॉब्लम मेरे को। अच्छा तो कहाँ बैठेगी? मैं बीच में बैठेगी। बीच में? किधर, किसके बाजू में? इधर। इधर ये लड़की के बाजू में। अच्छा अच्छा चले, उधर बैठ जा। जल्दी 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 चल चल। ए बाबा ए कंडक्टर, अभी मेरे को भी कोई अच्छी मम्मी के बाजू में एडजस्ट कर दे। ए कोई मम्मी खाली नहीं है, एक सीट खाली है, जाके उधर बैठ जा। चल ए रंगो। बापू ये गुस्सा करता नहीं जाना अपने को, चल चल चल। नहीं नहीं नहीं, बैठ बैठ बैठ, जा ससुरे जा, शांति से बात करना का। ये मेरी बेबी का बराबर ध्यान रखना बाबा, अकेली बेटी ना इधर, मैं पीछे बैठा, चिंता मत करना, कुछ भी चाहिए आंटी से मांग लेना, बिस्किट चॉकलेट कुछ भी, घबराना मत। बापू संभाल के बैठना भाई। क्या बोलता है समझ में नहीं आता कुछ, चल बैठ उधर। हाय हाय हाय, बस चलो करो, बस चलो करो। हाय हाय, बाप का माल है क्या? ए तुम चा नाव का है? क्यों, तुम्हें क्या करना है? मैं गंगू बाई कोल्हापुर से आई, बहुत दूर जाना मेरे को। ए गंगू। बापू काम की बात कर रहे बाबा। तुम चा बैग बहुत अच्छा है, तुम चा है? अगर मेरे पास है तो मेरा ही होगा। नहीं जरूरी नहीं है, अभी देखो ये मेरे पास है लेकिन मेरा नहीं है, मेरे बापू की सहेली का है। ए बापू। हाँ गंगू। हंसने वाली? हंसने वाली है तो फिर समझो फंसने वाली है। चालू रख चालू रख।
अच्छा बजाता है। हारमोनियम अच्छा बजाता है। Come on, everybody, sing with me. Ah.
अरे 500 करोड़ के हीरे आज हमारे हाथ में है। जी 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 जी। अरे बस बाबा बस, झोला खोला झोला खोला। अरे यकीन नहीं हो रहा, 500 करोड़ के हीरे हमारे हाथ में। मैंने तेरे को बोला था ना, मैं तेरे को हीरा दिलाएगा दिलाएगा दिलाएगा। दिलाएगा नहीं, दिलाएगी 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 दिलाएगी। झोला खोला झोला खोला। लेकिन झोला खोलने से पहले एक वादा, अपना वो चाचा को जूते का फैक्ट्री डाल के देने का। दिया। मेरे लिए बंगला दिया। तेरे लिए बंगला लिया। मेरे लिए 15 डिब्बे का पूरा प्राइवेट ट्रेन बिछा दिया। दिया हाँ, अभी खोलो। खोला झोला झोला खोला। अरे माजे हीरे रे। ये बस काय को रोक दी। अरे 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 मेरी बात, अरे मेरी बात, ए ए ए ए मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो जानबूझ के गाड़ी थोड़ी रुका है, एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी तो रोकना पड़ेगा ना, थोड़ी देर में चालू कर देंगे। मेरी बात सुनो, अच्छी जगह पर खड़े हैं, कितना अच्छा मौसम है, जाओ नदी के किनारे जाकर घूमो। जैसे बस तैयार होगी मैं आप लोगों को बुला लूंगा। अपन किधर जाने का, ये तू किधर भी है, क्या फर्क पड़ता है तेरे को। कम ऑन यार, रुको ना यार। अरे मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, सुनो तो मेरी बात। अरे तुम, ऐसा हो क्या गया यार, ऐसी क्या बात हुई है? कम ऑन यार, सुनो तो, एक मामूली बैग खो जाने का इतना गम। तुम नहीं जानते उस बैग में क्या था। उस बैग में मेरे माँ बाप की जिंदगी थी, मेरी कई महीनों की मेहनत जो तुमने मिट्टी में मिला दी। अब मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। वो लोग मेरे माँ बाप को मार डालेंगे और उनकी मौत की जिम्मेदार होगी तुम, सिर्फ तुम। ऐसा था क्या उस बैग में? उस बैग में, उस बैग में 500 करोड़ के हीरे थे जिनके लिए गुलादी ने मेरे माँ बाप को किडनैप करके रखा है, और मैं उसे वो हीरे देकर अपने माँ बाप की जान छुड़ाने वाली थी। लेकिन तुमने ऐसा होने नहीं दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? एक्चुअली तो मुझे जिन हालात में मिली, मुझे लगा कि तुम कोई गलत लड़की हो, लेकिन आज मुझे पता चला कि गलत मैं था और सही तुम। अब तुम्हारे पता चले ना चलने से क्या होता है, जो होना था वो तो हो गया ना। और सच्चाई यही है कि मैं अपने माँ बाप से कभी नहीं मिल पाऊंगी, कभी नहीं। तुम्हारे माँ बाप को कुछ नहीं होगा निशा। जब तुम जंगल में कपड़े बदल रही थी, मैंने चुपचाप तुम्हारे बैग की तलाशी ली और मुझे वो हीरे मिले। ये रहे वो हीरे। प्यार की है खुमारी, मीठी मीठी बेकरारी। प्यार की है। तुमने आज मेरे माँ बाप की जिंदगी मुझे वापस कर दी। मीठी मीठी। थैंक यू सो मच। सुबह शाम ढल गए,
हाँ गुलादीन, मैं आधे रास्ते तक पहुँच चुकी हूँ। पहुँचो पहुँचो, जल्दी पहुँचो। तुम्हारा माँ बाप तुमको देखने का वास्ते बहुत बेचैन है, और हम अपना नगीना देखने का वास्ते बहुत बेचैन है। मेरे माँ बाप कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? तुम्हारा माँ बाप बिल्कुल ऐसे है जैसे सीप में क्या, सीप में मोती। बहुत ख्याल रखती हम उनका। मुझे प्लीज उनसे बात करनी है। हम अभी माँ बाप से बात करवा के तुम्हारे तपते दिल को सुकून पहुँचाती। अरे सुनो, लेकर आओ बाहर कुछ। जी बिरादर। होल्ड करो। हाँ। खड़ा हो जा। तुम अपने नूर नजर जाने जिगर दुख्तर एन से बात करो। उसका आवाज तुम्हारे जज्बात के तूफान को ठंडा कर दे। लो बात करो, करो बात करो, बोलो हेलो। मालूम पड़ेगा हेलो। चाची ईशा, पुत्र पुत्र कैसे हो तू? चाची चाची आप कैसे हैं? मम्मी कैसी है? हम ठीक हैं पुत्र, तेरे बगैर जितने ठीक हो सकते हैं उतने ठीक हैं पुत्र। वाहेगुरु का नाम लेके जी रहे पुत्र, उस दिन की इंतजार में जब तेरे से मुलाकात होगी पुत्र। तू कैसी पुत्र? चारी आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्द गुलादीन को वो हीरे देकर आप लोगों को उनकी कैद से छुड़ा लूंगी। ना पुत्र ना, ऐसा ना करी पुत्र। तूने वो हीरे ले जाकर सरकार को देने हैं, मेरी बात सुन रही है ना? हीरे पुत्र। हरामी का बच्चा। ये क्या कर रहे हो? खंजीर का बच्चा, हम तुम्हारा खिदमत किया और तुम अपने बेटी को गलत सलाह देती है। गुलादीन, मेरे माँ बाप को कुछ मत करना। गुलादीन प्लीज प्लीज उन्हें कुछ मत करना। हम तुम्हारे माँ बाप को कुछ नहीं करती, उनको प्यार करती, मगर वो हमारे प्यार को कदर नहीं करती। बोलती वो नगीने सरकार को दे दो। आओ पुत्र, नगीने सरकार को दे दे। तुम वो नगीने सरकार को देगी? नहीं गुलादीन, वो हीरे मैं तुम्हें ही ला कर दूंगी, प्रॉमिस। कोच्चे वो नगीने तुम हमको देगी तो हम तुम्हारे माँ बाप को किशमिश खिलाएगी, अखरोट खिलाएगी, कोच्चे बादाम खिलाएगी, पिस्ता खिलाएगी, और अगर नहीं देगी तो गोली खिलाएगी, तुमको भी और तुम्हारे माँ बाप को भी। रख दे फोन। हेलो हेलो, जब सुबह खामोश हो आंखें बहुत कुछ कह देती हैं। डोंट वरी निशा, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे मां बाप को बचाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं कहीं भी हो जानम, रहे तो संग में। कम ऑन, चलो निशा, लेट्स गो। बापू
तुमचा बैग अपनी जान पे खेल के लाई, मैं नदी में कूद पड़ी। थैंक यू सो मच गंगूबाई, तुम बहुत अच्छी हो। तुमचा नाम का है? निशा। मी गंगूबाई। हाउ स्वीट। ए छोकरी, मेरा बटवा किधर है? बोल किधर है बटवा मेरा? मैंने देखा, तूने देखा? हाँ मैंने देखा। फिर मैंने नहीं देखा। देखा नहीं देखा क्या, बोल किधर है बापू? किधर बटवा, क्या किसका बटवा मांग रहे तुम? सब लोग आ गए कि नहीं? ए क्या बटवा बटवा लगा है, चल जा अपनी जगह पे। चोरी हो गया, ऊपर से मुझी को कह रहा है, क्या बटवा कर रहा है? बैठ अपनी जगह पे। ए पापा जी गाड़ी चलाओ। जाने भी दो यारो। कुछ काम वाम नहीं करते हो तुम लोग। ये देखो फूलों के पौधे कैसे मुरझाए हुए, और ये तुम्हारे चेहरे देखो देखो कैसे फूलों की तरह खिले। अरे पौधों को पानी देते हो या खुद पी जाते हो सारा? आ जाते हैं तनख्वाह मांगने, चलो जाओ जाके काम करो। नमस्ते मैडम जी, आपका कुरियर। ठीक है ठीक है, नमस्ते का मतलब समझती हूँ मैं। बख्शीश चाहिए ना? काम भले ही भूल जाओगे, बख्शीश नहीं भूल सकते। बख्शीश तो वो आप अपनी मर्जी से देंगे ना मैडम जी, मगर दिल से एक बात बोलो मैडम जी, इस कुरियर में आपके लिए कोई ना कोई खुशखबरी की बात जरूर होगी, बस आप जल्दी से इस पे साइन कर दीजिए और मेरा वो। थैंक यू मैडम जी। ठीक है। थैंक यू मैडम जी। अरे ले लेना अगली बार। थैंक यू मैडम जी। मैडम जी मैं पूछता हूँ, अभी तक ये लड़की पकड़ी क्यों नहीं गई? बड़ी बड़ी टीके मारते थे, मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, अभी तक क्यों नहीं किया कुछ? चला फिक्र मत करिए, मैं अपना 100% दिमाग यूज कर रहा हूँ सर। ब्लडी हेल, 1% तक लड़की को पकड़ नहीं सके और 100% की बातें कर रहे हो, क्यों कर रहे हो 100% की बातें? अरे हमारे सर जी केस को लेके इतना सीरियस है कि रात को लड़की का फोटो साथ में लेके सोते हैं ना। अरे लड़की का फोटो साथ में लेकर सोने को थोड़ी कहा था मैंने, वो लड़की चाहिए मुझे, जल्द से जल्द वो लड़की अपने काबू में आनी चाहिए, वरना मैं गिर जाऊंगा, तुम लोग गिर जाओगे, सारी होम मिनिस्ट्री गिर जाएगी, सारा का सारा डिपार्टमेंट लाइट ऑफ कर दिया जाएगा। सर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं हर जगह अपने मैसेज भिजवा दिए सर, 23% ईस्ट में, 27% वेस्ट में, 10% नॉर्थ में और 27% साउथ में भिजवा दिए सर। ये तो 98% हुआ, बाकी के 2% सर, बाकी का 1% मैं हूँ, 1% सर जी है और आप है ना, 2 पे 1 फ्री। आई लाइक इट, यू आर ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन मुझे परसेंटेज नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट आ रहा है सर, आ रहा है। आ गया रिजल्ट। नहीं सर, उधर आ रहा है। आए। आपके बेटे ने कितना अच्छा काम किया, अब तो आप मानेंगे ही कि वो कितना होशियार और कितना लायक है। अरे क्या किया मेरे बेटे ने? वो अब लाइफ में सीरियस हो गया है। उसने अपने लेटर में लिखा है कि मैं अब अपने पैरों पे खड़े होना चाहता हूँ, अपनी लाइफ सेटल करना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिया, लेकिन अब सुख देना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एक बहू पसंद की। Shame on you, shame on you, Mr. Lamba. I must say, your son is far more intelligent than you. तुम एक लड़की का पता नहीं लगा सके और उसने तुम्हारे लिए एक बहू ढूंढ ली है। वाह, very good, very good. क्या लड़की है? एकदम खानदानी है, सुंदर है, सुशील है, सांस्कारिक है, एकदम सीता मैया जैसी। अरे तुम तो सीता कहोगी उसको, तुम तो अपने बेटे को भी राम बुलाती हो। तुम नहीं सुधरोगे, इसीलिए लड़के ने कहा था ये फोटो डैडी को मत दिखाना, क्योंकि उन्हें तो मेरी पसंद कभी पसंद ही नहीं आती है, अगर उन्होंने ये फोटो देख ली ना तो फुटबॉल की तरह उछलेंगे। लेकिन भाभी जी, क्या मैं आपकी होने वाली बहू की फोटो देख सकता हूँ? जी हाँ भाई साहब, क्यों नहीं देख सकते, आप तो जरूर देखिए। लगता है मैंने मैंने इस लड़की को कहीं पहले भी कहीं देखा है। अच्छा? ये चेहरा, ये चेहरे से लग रहा है कि हम दोनों इस कहीं ना कहीं मिल चुके हैं, पहचानो तो जी, ये कौन है? अरे भाई साहब मैं कह रही हूँ ना, ये फोटो इन्हें मत दीजिए, नहीं तो ये सचमुच फुटबॉल की तरह उछलूं। अरे फुटबॉल की तरह उछलूं या क्रिकेट की गेंद की तरह बाहर चला जाऊं, लेकिन फोटो तो मैं देखूंगा।
क्या हो गया? अरे बाहर क्यों जा रहे हो? हे भगवान! होश कब आएगा? कुछ नहीं बता सकता मैम। ये तो बता सकते हैं कि जिंदा बचेंगे भी या नहीं। जी मैं कुछ नहीं बता सकता। तो फिर क्या बता सकते हैं आप? क्यों उठा रहे हैं ये सारी तकलीफ? हे भगवान, अगर तुम दयालु हो तो मेरी एक प्रार्थना सुन लो। इन्हें उठा लो, इन्हें उठा लो। अपने पति के मरने की दुआ मांग रही हो? कैसी बीवी हो, अपने पति की मरने की दुआ मांग रही हो? मरने की दुआ नहीं मांग रही थी, तुम्हारे उठने की दुआ मांग रही थी। देखा ना मेरी दुआ में कितना असर है। मेरी दुआ खत्म होने से पहले ही तुम कैसे झट से उठ गए। ज्यादा बकवास मत करो। बकवास नहीं कर रही हूँ मैं। देखो तुम इतने टेंशन क्यों ले रहे हो? ये केस आईजी साहब ने किसी दूसरे को सौंप दिया है। क्या? लांबा का बेटा उस मुजरिम से प्यार करता है और उसकी बीवी को उस मुजरिम में सीता दिखाई देती है। उसे अपनी बहू बनाने के चक्कर में है। बेवकूफ कहीं के। The whole family is stupid, bloody idiots, nonsense. I don't trust them anymore now. अगर मैं उस लांबा के चक्कर में रहा तो मेरे हाथ से तो शोक चक्र निकल जाएगा ना। जी सर। अरे उस केस का वापस मुझे मिलना बहुत जरूरी है। तुम्हारी मोटी बुद्धि में बात क्यों नहीं समाती? वो लड़की गलत है और तुम्हारा बेटा उसके प्यार में फंस गया है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। तुम बेसिर पैर की बातें मत किया करो। अरे मैं तो बाप हूँ, किसी तरह से अपने बेटे को बचा लूंगा। लेकिन ये केस अगर किसी दूसरे के हाथ में लग गया तो तुम्हारी उस बेटी के साथ उस बेटे को भी गोली मार देंगे। फिर जिंदगी भर बेऔलाद होकर रोती रहना। हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसीलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम्हें तुम्हारी औलाद वापस मिल जाएगी, मुझे मेरा केस वापस मिल जाएगा, उस केस के साथ मुझे मेरा पुलिस मेडल भी मिल जाएगा। आज से ये केस मैं तुम्हें देता हूँ। जी जल्दी से इसे सॉल्व करो और मुझे मेरा अशोक चक्र दिलवाओ। लेकिन सर अगर मैं ये केस सॉल्व करूंगा तो आपके साथ पत्ते कौन खेलेगा? पत्ते? पत्ते तो मेरे साथ वो लांबा खेलेगा। हाँ भाई साहब। भाभी, आप हम तो आप ही की बात कर रहे थे, बल्कि तो आपके सारे खानदान की बात कर रहे थे। क्यों? ये क्या मंदिर से प्रसाद वरसाद लेकर आ रही हैं? मंदिर से नहीं बल्कि इंसाफ के मंदिर में आई हूँ। मंदिर? जी। कौन सा? और आप इंसाफ की मूर्ति हैं भाई साहब। मैं? अच्छा कैसे? ये क्या क्या कर रही हैं आप? भाई साहब अपना हाथ दीजिए। क्यों? दीजिए ना। अच्छा ये आप क्या कर रही हैं भाभी जी? भाभी जी नहीं है? आज से मैं आपकी बहन हूँ। बहन? जिंदगी में आज तक मेरी कोई बहन नहीं थी। मेरा भी जिंदगी में कोई भाई नहीं था भाई साहब। आज मुझे भाभी की शक्ल में बहन मिल गई और मुझे एक भाई मिल गया। भाई होने के नाते आप अपनी बहन के सुहाग का मान रखेंगे ना? हाँ जरूर रखूंगा। अपने बहन के सिंदूर की शान बढ़ाएंगे ना? हाँ जरूर बढ़ाऊंगा। अपने बहन के मंगलसूत्र की मर्यादा को बनाए रखेंगे ना? हाँ बनाए रखूंगा। जो केस आपने मेरे पति से ले लिया था वो वापस कर देंगे ना? हाँ दे दूंगा। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। देखिए आप अपनी बहन को वचन दे चुके हैं भाई साहब। देखिए आपको अपने वचन की लाज निभानी होगी भाई साहब, वरना आपकी नाक कट जाएगी। ये मैं नहीं कर सकता। देखिए आपको अपनी नाक का ख्याल नहीं पर बहन का ख्याल तो कीजिए ना कमिश्नर। सर मैं जानता हूँ कि आप मुझसे केस वापस क्यों ले रहे हैं। आप सोचते हैं कि मैं अपने बेटे की तरफदारी करूंगा,
नहीं सर, पुलिस मेडल के लिए अगर वक्त पड़ा तो अपने बेटे को गोली मार दूंगा, अपनी बीवी को गोली मार दूंगा, और भगवान ने चाहा तो आपको भी गोली मार दूंगा सर। सर, मैं आपके सर की कसम खाकर कहता हूं, मैं अपने फर्ज के आगे किसी भी दीवार को खड़े नहीं होने दूंगा सर। जो शख्स मेरे सर की कसम खाता है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। मिस्टर वर्मा। यस सर। गिव मी द फाइल। लीजिए सर। ये लो। हाँ, लेकिन ख्याल रहे, ये केस अगर जल्द से जल्द नहीं सुलझा तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस केस को इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट को दे देगी। सर, इसके पहले कि इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट के पास ये केस चले जावे, आपको कुछ इंटेलिजेंट काम करना होगा सर। सर, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, और देखिए कि मैं इस फाइल का और आपके दिमाग का कितना 100% इस्तेमाल करता हूँ। फाइल दे दीजिए सर। गुड लक। सपने तेरे हैं यारा, अब तो रहा होगा तुम बिन गुजारा। ओ, आंखों में सपने तेरे हैं यारा, अब तो रहा होगा तुम बिन गुजारा। ये फैसला है अब तो हमारा, जा भी तुम्हारी दिल भी तुम्हारा। धड़कन में खुशबू है तुम्हारी, तुम ही तुम बस अब तो किस्मत हो हमारी। हाले दिल सुन ले सोनिए, तन्हा हमको ना छोड़िए। हवा के हलके हलके, आंखों से मस्ती तुम्हारी छलके छलके। चांद जैसा चेहरा तेरा छलके छलके, रोशनी तुझको देख रही है जलके जलके। जीने का मरने का हमको नहीं गम, वादा ये करते हैं मेरे हमदम। मुश्किल जीना बिन सपने तेरे हैं यारा, अब तो ना होगा तुम बिन गुजारा। ये फैसला है अब तो हमारा, जा भी तुम्हारी दिल भी तुम्हारा। सांसों में धड़कन में खुशबू है तुम्हारी, तुम ही तुम बस अब तो किस्मत हो हमारी। हाले दिल सुन ले सोनी, हमको ना छोड़िए। किधर जाते रहे तू? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने को जाता। अच्छा। हाँ, एक बात और बताऊँ? बता। किसी से कहना मत। मैं घर से भाग कर शादी करने जा रहा हूँ। हाँ। और ना ये बात मेरे बाप को भी नहीं मालूम। अच्छा। तेरे बाप को ये तो मालूम है ना, तू उसका लड़का है ना।
माँ को मालूम। बरोबर है, किसी को तो मालूम है ना। ए गंगो, क्या टाइम पास कर रहे हो तुम? कुछ नहीं बापू। अगर तुम मुझे इस सफर में नहीं मिलते तो मुझे यकीन है कि ये सफर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तुम इस सफर की बात कर रही हो? मैंने तो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया है। सीरियसली, मैंने तो तुम्हारी फोटो भी भेज दी है बब्बी पापा के पास। और तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे माँ बाप मुझ जैसी लड़की को पसंद कर लेंगे? हाँ, यू नो मॉम इज कूल, वो मान जाएंगी। रही डैड की बात, वो थोड़ा झिकझिक जरूर करेंगे, एवेंचुअली उन्हें मानना ही पड़ेगा क्योंकि घर में उनकी चलती ही कहाँ है। आज तक आप लोगों ने बहुत सारी खबरें छापी होगी, बहुत सारी फोटो खींची होगी, लेकिन आज आज आपको एक मरे हुए आदमी की तस्वीर खींचनी है। मतलब आदमी मरा नहीं है, मतलब जिंदा आदमी की मरी हुई तस्वीर खींचनी है, और फिर वो तस्वीर आपको नेशनल, इंटरनेशनल, केबल नेटवर्क, छोटे छोटे चैनल में, हर अखबार में छपवा देनी होगी ताकि बच्चे बच्चों को यकीन हो जाए कि आदमी मुठभेड़ में मारा गया। लेकिन सर, वो आदमी है कौन? अभी तक समझ में नहीं आया। मैं हूँ वो आदमी और कोई नहीं है। डीसीपी लांबा, नाउ सी मी डेड। मैं मर चुका हूँ सर। ये जूता निकाल दीजिए सर। अरे जूते के साथ भी तो मर सकता है इंसान, लेकिन अब देखिए, अब मैं मरने की एक्टिंग, मतलब मर रहा हूँ। फोटो जल्दी, कब दीजिए जल्दी से। हाँ, एक मैं ये लीजिए सर। पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? अरे मुझे छोड़ के चले गए, अरे कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना कमिश्नर। अरे तुमसे तो लड़ा करती थी, अरे मेरी मैया, अब किससे लड़ूंगी, मेरा तो सारा ही चला गया। अरे कमिश्नर, मर जाऊंगी रे तुम्हारे बिना। अरे बहन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ? लाश दिखाई दे रही, लाश कहाँ है? लाश जला दिया क्या उसे? अरे लाश का ही तो इंतजार कर रही हूँ मैं, ना जाने किस कोने में जाके मर गए। अरे मरने के बाद भी अटकेलियाँ नहीं छोड़ रहे। अरे भाई साहब, सुबह से 10 बार फोन कर चुकी हूँ, खुद ही फोन उठाते हैं, कहते 10 मिनट में लाश पहुँच जाएगी, पर लाश नहीं पहुँच रही। अरे मैं क्या करूँ? बहन जी, आप तो मिलने आए हैं। फरीदा बहन, कुछ सुना तुमने? कमिश्नर छोड़ के चले गए। कमिश्नर का भूत? अरे कमिश्नर का भूत नहीं, मैं खुद कमिश्नर हूँ। तुम जिंदा हो? मरे नहीं? तुम तो चाहती हो कि मैं मर जाऊँ, लेकिन मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। अरे भाई लाभा, ये क्या माजरा है? खुद ही अपनी मौत की खबर छुपवाते हैं, लोगों को परेशान करते हो और खुद बुर्का पहनकर घूम रहे हो, व्हाट इज दिस कंफ्यूजन? अरे अगर मैं मौत की खबर छपवाकर जिंदा चलूंगा तो लोग मुझे मारेंगे नहीं, इसलिए मैं बुर्का पहनकर घूमता हूँ। तो फिर ये झूठी खबर अखबार में क्यों छपवाई? अकल की अंधी, वो इसलिए छपवाई कि मेरी मौत की खबर सुनकर मेरा बेटा तुम्हें फोन करेगा, और वो फोन करेगा तो पुलिस को। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट आइडिया। हेलो, हेलो मॉम। राजा, मेरे बेटे कैसा है तू? कहाँ है तू? ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ मॉम, इस वक्त 12 गांव से बोल रहा हूँ और देहरादून की बस से जा रहा हूँ। बेटा, तेरे साथ क्या वो लड़की भी है? हाँ मॉम, वो लड़की मेरे साथ है, लेकिन मॉम मैं डैड के बारे में क्या पढ़ रहा हूँ? अरे बेटा, वो सब बेकार की बातें हैं, तेरे डैडी को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। क्या है ना बेटा, वो जो तूने फोटो भेजी थी ना लड़की की, वो लड़की उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए वो तुम दोनों को पकड़ना चाहते हैं। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगी यहाँ पर। लव यू मॉम। ठीक है बेटा, बाय। अरे फोन रख दिया, फोन रख दिया। अरे आईजी साहब, मैंने सिर्फ 70% दिमाग इस्तेमाल किया है, 30% तो बाकी है। रवानी बेटा। यस सर, मैंने राजा बेटा का फोन टेप कर लिया है सर, सब पता चल गया है। वो अभी देहरादून जाने वाली बस में है, लड़की उसके साथ है और दोनों बड़ा गांव में है। अब देखिए सर, मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं अरे इसे घुमाना बंद करो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। और एक काम करो, एसएचओ को फोन लगाओ और टेलीफोन की घंटी बज रही है सर। बहरा, मैं हूँ या तुम हो? अरे घड़ी का अलार्म बज रहा है,
सर घड़ी का अलार्म नहीं बज रहा है सर, टेलीफोन की घंटी बज रही है सर। अच्छा, अरे हाँ तो फोन कौन उठाएगा? मैं ही उठाऊंगा सर। हेलो ऐसे चो बुलाओ। हाँ जी जाने भी दो यारो, जाने भी दो यारो। अरे क्या हुआ यार, ये बस फिर से क्यों रोक दी? अरे चलो ना जाके देखता है हम। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। सावे ये कौन पकड़ेगा? मैं सर। दरवाजा खोलो। दरवाजा तो खुला है। अरे ये बताइए इंस्पेक्टर साहब, आपने बस क्यों रुकवाई? खबर मिली है, इस बस में एक ऐसी छोकरी है जिसके पास बहुत कुछ है। अरे छोकरी के पास बहुत कुछ नहीं होगा तो क्या आपके पास होगा? शट अप, ज्यादा मुंह खोलेगा तो डंडा घुसा दूंगा। थैर, पहले मैं जाऊंगा। चलो चलो, छोड़ूंगा नहीं उसको। कहाँ है दारू? पुलिस। सर, इसके पास तो कुछ भी नहीं है सर। आगे बढ़ो सर। कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। इसके पास तो बहुत कुछ है सर। चल। अरे इसको कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? ये तो मेरी होने वाली वो है। वो हो या ये हो कंडक्टर, मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि डीसीपी लामा ने इसको पकड़ने को कहा है, समझे? सर, लड़की को पकड़ लिया मैंने। गुड। उस लड़की के साथ एक लड़का है राजा, उसको फोन दो। क्या कहा सबने? वो कह रहे कि लड़की के साथ एक लड़का है राजा, उसको फोन दो। ए, तुम्हारा नाम क्या है? मैं नाम बादशाह है, बादशाह। हाँ, ये बादशाह कह रहा है। सर उर्दू में राजा को ही बादशाह कहते हैं सब। अच्छा। तो बात करवा दूं? हाँ करवा दो सर। तो कौन करवाएगा? मैं करवाऊंगा सब। हेलो। हेलो के बच्चे, सीधी तरह से घर वापस आता है या मैं तेरी ऐसी तैसी करूं? मैं अपने मनपसंद की लड़की के साथ शादी करने जा रहा हूँ। अरे नालायक, वो लड़की नहीं, लड़की नहीं, गुंडी है, बदमाश है, चोर है। कुछ भी हो, मैं शादी उसी से करूंगा। अच्छा, ऐसे चुको फोन दो। सर, इस लड़की के साथ इस लड़के को भी गिरफ्तार करो इमीडिएटली। क्या हुआ सर? वो कह रहे हैं उसको भी गिरफ्तार करो। चल। अरे ए छोकरी चल। ए साहब, मैं ए बापू, ए चल चल जल्दी है ना, तो चलना। तू भी चलना मेरे साथ, अकेली बोर होगी। मैं तू आना। अरे जा रहा बाबा। अरे जा ना। अरे तू कैसा बाप है, हैं? तेरे सामने पुलिस वाले तेरी बेटी को लेकर जा रहे हैं और तू कुछ भी नहीं कर रहा है। अरे बाबा, हमारा पुलिस का रोज का रिश्ता है। अरे उसका हाथ छोड़ो, जाना तो उसको। अरे छोड़ो, नहीं तो कान के नीचे बजाएगी मैं। अरे जा, उधर मिलते हैं बाबा, जा। ये क्या कर दिया? अरे चिंता मत करो, वापस आ जाएगा। आ जाएगा? हाँ मतलब आ जाएगी। मैं कुछ भी बोलेगा तुम बराबर सुनने का बाबा। आ जाएगी ना, आ जाएगी। तुम बात चलो को। तू जा रहे? जा। ए उतर। गाड़ी जाने दो। लगता है इस बस में और सफर करना खतरे से खाली नहीं है। माजी बस सुटली। छोकरे, ए कहाँ भागे जा रहे हो? ए पंत, तू मेरे को नीचे काय को उतारा? बोल, अभी बताता हूँ। पकड़ती वकड़ती नहीं मैं, अभी बताता हूँ। सर, मैंने लड़का और लड़की दोनों को बस में से उतार लिया है। उस लड़की के पास 500 करोड़ के हीरे हैं। 500 करोड़ के खीरे? इतने खीरे कौन खाता है? खीरे नहीं, मैं हीरे बोल रहा हूँ, हीरे। सर आपने तो बताया था मैं डीसीपी लांबा बोल रहा हूँ। अरे मैं लांबा ही बोल रहा हूँ। उस लड़की की तलाशी लो, मैं इमीडिएटली
12 गांव पहुंच रहा हूं, समझे? ये सर, तलाशी लो इसकी। क्या हुआ? काय करतो है? तलाशी। ए, तेरे को शर्म वरम है कि नहीं? मरदों की औरत का तलाशी लेगा तू? कुट ले। इसका भी इंतजाम है हमारे पास। शकुंतला। क्या हुआ? लेडी है। तू भी लेडी, वो भी लेडी। बराबर। बराबर। ए लड़की, चल कपड़े खोल। ए, कपड़े वपड़े नहीं खोलेगी मैं, कपड़े के साथ लेनी है तो बोल। ज्यादा नखरे मत कर, चल हाथ ऊपर कर, सीधी खड़ी रह। ये बेहोश कैसी हो गई? खुशी से। हाँ, ठीक से बताएगी या नहीं? अच्छा, मेरे को क्या लगता है ना, इसने कोई जड़ी बूटी सूंघी है। अच्छा, तेरी जड़ी बूटी में पुलिस थाने जाकर देखूंगा, चल मेरे साथ। किधर? पुलिस थाने। दुखी का तू नहीं? चल चल, तू इसे देख, चल मेरे साथ। कहाँ से पकड़ूं? रोका। अरे गाड़ी क्यों रुकी? मेरे को लगती है। क्या लगती है? वही जो सबको लगती है। सबको क्या लगती है? तेरे को क्यों बताएगी मैं? शर्म आती मेरे को। अरे सर, उनको ना सुसु वाली सुसु। मैं रिक्स नहीं लूंगा। ए, रिक्स से क्यों जाएगी? मैं पैदल जाएगी। मैं रिक्स नहीं लूंगा। तेरे को जो लेना लो, मैं रोकेगी अभी तो पेट फट जाएगा। रुक रुक तो सही, मैं आ रहा हूँ ना। ऐसे क्या कर रही हो यार? ए, 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 तू मेरे पीछे काहे को आता? भाग जाएगी तो? तेरे को छोड़ के किधर भागेगी मैं? एक काम, तू नहीं पल्लू पकड़, आँख बंद किया, मुंह भी बंद, बोलने का नहीं, देखने का भी नहीं। हाँ, मैं जाती और मैं आती। ए, मैं गई। अब मुझे भरोसा है, तुम कानून की आंखों में धूल झोंककर नहीं भागोगी। नमस्ते साहब। हे, कौन है? मुंह बन, आग बन। उसे लगी है वो कर रही है। कौन कर रही है? किसको ले? क्या बहेली बुझा रहे हैं साहब? किधर है? कौन है? इधर है, इधर। आजा। क्या साहब, कोई नहीं है इधर। अरे ये तो कपड़े उतर कर भाग गई। भागी कहाँ? खड़ी है। खड़ी है? मतलब खड़ी थी, अभी भाग गई। भाग गई? हाँ। नंगी? उंगली देके गई मेरे को। अरे हाँ। मैं उसी हालत में उसको पकड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मेरी नौकरी नहीं जाने दूंगा। लड़की कहाँ है? लड़की तो कपड़े उतार कर भाग गई सर। क्या बकवास कर रहे हो? लड़की कपड़े उतारी थी और तुम देखते रह गए? देख कैसे सकता था सर, मैंने अपने आंखें बंद कर ली थी। आंखें बंद कर ली थी? लड़का कहाँ है? मैंने सोचा लड़की भाग गई तो लड़के का क्या करेंगे, है ना? इसलिए मैंने लड़के को भी छोड़ दिया। Shut up! कितनी मुश्किल से मैंने उन दोनों को ट्रेस किया था और तुमने अपनी बेवकूफ से उनको भगा दिया, भगा दिया। अब जानते हो क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारी नौकरी चली जाएगी और मेरा पुलिस मेडल मेरे हाथ से निकल जाएगा। मैं उन्हें पकड़ूंगा सर, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। नौकरी नहीं जाने दूंगा, जरूर पकड़ूंगा। कालू, लालू! अरे अच्छा, मिल गया। ये कालू, ये क्या रे? साड़ी निकल कर नंगा क्यों बैठा रास्ते पे? अरे पुलिस वाले को बेवकूफ बनाया मैं। उसको नहीं मालूम कि गंगूबाई को 11 गांव के पुलिस ढूंढ रहा है। लेकिन गंगूबाई को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि गंगूबाई है संतरा खाएगा। संतरा खाएगा? संतरा। तूने कहा था वो लड़की उधर गई? मैंने कहा था। अरे बाबा, इसने कहा था? ए, ए, क्या है? नहीं, किधर गई? अरे कौन किधर गई रे बाबा, मेरे को क्या पूछता रे, मेरे को नहीं मालूम। अरे वो लड़की किधर गई? कौन लड़की? तुम्हारी लड़की? मेरी लड़की नहीं, जो भाग गई वो लड़की किधर गई? अरे तो बाबा ऐसे बोलने का ना, जो लड़की भाग गई किधर गई? हाँ। देखो क्या है, मेरे को पहले लगा वो लड़की उधर गई। हाँ। लेकिन वो उधर नहीं गई। फिर मेरे को लगा शायद वो लड़की उधर गई होगी। हाँ। लेकिन वो लड़की उधर भी नहीं गई। बाबा उसके बाद मेरे को नहीं मालूम किधर गई। अरे इधर नहीं गई, उधर नहीं गई, फिर गई किधर? आप लास्ट किधर से आए? इधर से। तो फिर उधर गई? उधर गई। देखो छोड़ूंगा नहीं उसे आदमी। हा,
करता है। अभी तू मेरे को एक बात बता, वो छोकरा छोकरी को छोड़ के बस में अकेला तू इधर क्या कर रहा है? अरे बाबा, वो छोकरा छोकरी बस से उतर गया, मैं भी दोनों के पीछे उतर गया। मैं उनका पीछा कर रहा था, दोनों मेरे को उल्लू बना के घुल हो गया। तू बेगरना को करने का बाबा, तेरे को चोरी करना किसने सिखाया? किसने? मैंने सिखाया, मैंने। अभी देख तू मैं कैसे छोकरी को पकड़ता है। तू चल अभी। किधर? छोकरी जिधर। पर छोकरी है किधर?
इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। तो तुम बहादुर कमांडर बलवंत सिंह जी की बेटी हो? जी। उनको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान मेरी काफी मदद भी की थी। घबराओ नहीं बेटी, मैं जानता हूं कि तुम्हारी जगह कोई भी होता तो ये करता जो तुमने किया। लेकिन अब हीरे भी बच जाएंगे और तुम्हारे डैडी को भी कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मगर चाचू कैसे? डैड तो निशा को अरेस्ट करना चाहते हैं और वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। ओह यस। तो इससे पहले कि मेरा भाई यहाँ आकर तुम्हें गिरफ्तार करे, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है, कम ऑन निशा, लेट्स लीव। एक मिनट, ये संभाल के ले जाना। थैंक यू अंकल। ओके, थैंक्स चाचू। ओके, चलो लेट्स गो। मैं और वहां? तुम इधर नहीं भैया, मैं ही इधर पहुंच गया। भैया मैं तुम्हें इस लड़की को यहां से नहीं ले जाने दूंगा। हट जाओ मेरे सामने से भैया, वरना मैं आज तुम्हें गोली मार दूंगा। अरे जा जोरू के गुलाम, वहां घर जवाई बनकर तू बीवी के आगे पीछे दुम हिलाता है, कुत्ते की तरह इसकी बातें सुनता रहता है, उसकी जूतियां साफ करता है। उसके बलबूते पर पहुंचकर तू आज यहाँ पहुंचा और मुझे धमकी देता है। मैं जो करता हूँ मेरा पर्सनल मामला है। शर्माती है मुझे तो अपना भाई कहते हुए। तेरी वजह से आज हमारे खानदान की नाक कट गई। आपने कौन से अपने खानदान की नाक संभाल कर रखी है भैया? भाभी घर पर आई थी, बता रही थी कि कैसे आप घर बार और नौकरी छोड़कर लड़कियों के पीछे गिरे रहते हैं। मेरा मुंह मत ज्यादा खुलवाओ वरना मैं भूल जाऊंगा कि बड़े भाई और छोटे भाई में सिर्फ 5 मिनट का फर्क है। अरे भूल गया भाई कि तुम इसे 5 मिनट पड़ा है। बता अब तू क्या कर लेगा मेरा? आप देखना चाहते हैं कि मैं क्या करूंगा? नहीं खबरदार भैया, अगर जरा भी गड़बड़ की तो। डैड प्लीज निशा को छोड़ दीजिए, वो बेकसूर है। इसका फैसला तो कानून करेगा। एक मिनट, हिलना नहीं। हाजी साहब, मैं लड़की और हीरो को लेकर सदर थाने पहुंच रहा हूं। आप भी फौरन सदर थाने पहुंच जाइए। आइए, चलो 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 चलो। जी देख लिया पुलिस की वर्दी का कमाल। अब तो सिर्फ मॉम ही बचा सकती है। चाचू लगता है मॉम को फोन करना ही पड़ेगा। अरे मॉम को कहां से फोन करें, उन्हें गुजरे तो 14 साल हो गए। चाचू मैं आपके मॉम की नहीं अपनी मॉम की बात कर रहा हूँ। लगाओ। तुम? हाँ मैं अपनी बहू और हीरे लेने आई हूँ। अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं भूख हड़ताल करूंगी, तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाऊंगी और तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अरे अकल की अंधी, वो लड़की लड़की नहीं है, चोर है, उचक्की है, एक नंबर की आतंकवादी है। अरे तुम्हारे लिए वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए वो मेरी बहू है, मेरे बेटे का प्यार है। अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा ना कमीशन, तो नहीं तुम क्या कर लोगी? जरा बंदूक देना। बंदूक दे दो भाई। नहीं बंदूक दे दो इसके हाथ। मैं तुम्हें गोली से मार दूंगी। क्या कर रही है? ये घर नहीं पुलिस थाना है। मैं तुम्हें मुझे बंदूक दिखाने के चक्कर में जिंदगी भर के लिए जेल में भरवा दूंगा और फिर चक्की पीसते रहना वहाँ पर। ए कमिश्नर, डराना मत मुझे तुम। जरा सोचो बहना, तुम इन पर गोली कैसे चला सकती हो? ये तुम्हारा पति है और फिर ये केस तुम्हीं तो इसको दिलवाया था। अरे भाई साहब, तब मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मुझे मेरे बेटे ने सब कुछ बता दिया। वो लड़की निर्दोष है और एक निर्दोष को इंसाफ दिलाना हर सच्चे नागरिक का फर्ज है, और मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगी। मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगी। हमारी शादी हुए इतने साल हो गए और इतने सालों में मैंने तुम्हारी हर बात को माना है। ये बात को मान लूंगा। ये पिस्तौल मेरे हाथ में दे दो। देखा भाई साहब, अब आई ना अकल ठिकाने पर। कमिश्नर, तुम अपनी बीवी को गोली से मारोगे? तुम्हारी जैसी बीवी को गोली से नहीं, बम से उड़ा देना चाहिए। सर आप लोग लड़की और हीरो संभालिए, मैं इसको ठिकाने लगा कर आता हूँ। चाल भाभी मोर्चा हार गई। चाचू आप किस दिन काम आएंगे? जरा सोचिए आप में और डैड में फर्क क्या है, सिर्फ वर्दी का। सर, इतनी जल्दी आप बीवी को ठिकाने लगाकर आ गए सर? डीआईजी साहब कहाँ हैं? डीआईजी साहब अंदर है सर। अरे डीसीपी तुम? आप यहाँ रेस्ट हाउस में रेस्ट कर रहे हैं, और वहाँ मेरी बीवी, मेरा भाई और मेरे बच्चे ने पूरे 12 गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया, सड़क पर उतर आए। अच्छा,
सर उनका कहना है कि वो किसी भी तरह से लड़की को यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे। मैं बड़ी मुश्किल से बच बचाव कर यहाँ तक पहुँचा हूँ सर। आप जल्दी से हीरे और लड़की लेकर आ जाइए ताकि मैं लड़की और हीरो को महफूज जगह पर ले जाऊँ सर। लेकिन सर ये सोचने का वक्त नहीं है, हीरे और लड़की लेकर जल्दी आ जाइए सर। ठीक है रमानी, तुम लड़की को लेकर आओ। लड़की को लेकर आओ और मैं हीरो को लेकर आता हूँ। ओके सर। सॉरी सॉरी सर, सॉरी सॉरी। ए छोकरी, चलो चलो बड़ा साहब बुलाए, चलो उठो। ए चलो लो इसको पकड़ो। चल चलो। ये लो हीरे, जरा संभाल के लेके जाना, ये हमारी जिंदगी है, मेरा अशोक चक्र और तुम्हारा पुलिस मेडल। चलो चलो अंदर चलो सर, लड़की आ गई सर। ओके सर, मैं लड़की और हीरों को लेकर जाता हूँ। लेकिन हो सकता है मेरा हमशक्ल भाई जो। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारा तुम्हारा कोई ट्विन ब्रदर भी है? जी हाँ, बदकिस्मती से मेरा ट्विन ब्रदर है जो आर्मी में कर्नल है। लेकिन हो सकता है वो यहाँ सर डीसीपी बनकर आए और आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करे। मगर मगर डोंट यू वरी डीसीपी लांबा, मैं एक बहुत ही शातिर दिमाग और इंटेलिजेंट ऑफिसर हूँ। ऑफ कोर्स मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। हाँ, क्या नहीं बना सकता? बेवकूफ नहीं बना सकता सर। चलो तुम यहीं रुको बेवकूफ। सर प्लीज मेरी बात सुनो। तुम क्या देख रही हो बेवकूफ? चलो। सर एक बात पूछूं सर? हाँ पूछो। ये सब लोग आपके सर की कसम क्यों खाते हैं सर? ब्लडी नॉनसेंस। अच्छा, आजकल के जमाने में किसी का दिल साफ है? नहीं। किसी की नीयत? नहीं। किसी का ईमान? बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरा सर बिल्कुल प्योर और साफ है, इसलिए लोग मेरे सर की कसम खाते हैं। सर, अरे लंबा तुम यहाँ? सर आप इतनी जल्दी वापस आ गए सर? लड़की और हीरे सही सलामत है या नहीं ये तो आपको पता होना चाहिए सर। अरे मैं उन्हें तुम्हारी देख रेख में छोड़ कर गया था या किसी और की? अरे तुम इससे क्यों पूछते हो, वो तो तुम लेकर गए थे। सर मैं अपनी बीवी को लेकर गया था सर। देखो तुम उसे बहकी बहकी बातें मत करो, वो लड़की और हीरे कहाँ है बता दो, मैं तुम्हारा घर आकर बता दूंगा। सर घरा मत बताइए सर, मुझे मालूम नहीं वो कहाँ पर है सर। इसका मतलब है कि मैं जो समझ रहा हूँ वो तुम नहीं हो। राइट 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 सर। तो तुम कोई और हो। राइट सर। तो तुम कर्नल हो? नहीं सर मैं कर्नल नहीं हूँ, मैं डीसीपी हूँ, मैं डीसीपी लामा हूँ सर। देखो I am a very intelligent officer. I know, sir. मुझे आज तक कोई बेवकूफ नहीं बना सका। क्या नहीं बना सका? बेवकूफ सर। बेवकूफ नहीं बना सका। अरे पुलिस वाले देखते क्या, मारे से पिटाई करेंगे। एक मिनट सर, सर मैं आपके सर की कसम खाकर कहता हूँ, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। सर मैं कर्नल नहीं हूँ, मैं डीसीपी लामा हूँ सर। अरे जो आदमी मेरे सर की कसम खाता है वो कभी झूठ नहीं बोलता, तो फिर वो लड़की और हीरे कहाँ गए? सर ये आदमी पकड़े जाने के डर की वजह से झूठ बोल रहा है, झूठा आदमी। सर मैं 100% सच बोल रहा हूँ सर। अगर परसेंटेज की बात है तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हाँ। तो लड़की का हीरे का? सर मैं जानता हूँ कहाँ गए होंगे कर्नल। कर्नल मेरा भाई उसे लेकर गया होगा, लेकिन आप घबराई नहीं सर, मुझे पता है कर्नल उस लड़की के साथ और हीरो के साथ कहाँ गया होगा। फॉलो मी सर। मुझे पेशाब आया। मुझे शक्ति दे, मैं अपने बेटे के प्यार की रक्षा कर सकूं। रमानी तुम फौरन जीप ठीक कराओ। चलिए सर। ओके सर। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए सर। अरे चलिए ना सर। क्या गाड़ी ठीक करा के आओ? मैं इंस्पेक्टर है, मैकेनिक थोड़ी है। अभी इधर मैकेनिक ढूंढना पड़ेगा बाबा। ये जंगल में मंगल करने के लिए मुझे छोड़ के भाग गए ये लोग। ये जंगल में किधर मैके, अरे ये तो धुआं निकल रहा है इसमें से। बाप रे बाप, देखो जरा। अरे बाप रे बाप, इतना सारा धुआं। अभी तो मैकेनिक नहीं फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ेगा। मुझे पेशाब आया बड़ी बुरी तरह से यार। कमिश्नर रुक जा। अरे रुक जा, रुक जा कमिश्नर। मैं तुम्हें उन्हें गिरफ्तार नहीं करने दूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। तेरे बेटे को पकड़ नहीं सकते। अरे लालो। हाँ कालो। अरे तो वही छोरी जो हीरे वाली छोरी। हाँ चल चल चल। अरे भाग रे लालो। अरे भाई 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 रुक जा। भाग 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 भाग
चल, उनका पीछा करना। ये रिक्शा पारे का नहीं है। अरे तेरा भेजा उड़ा दूंगी। ए लालो बाबा, अरे बहुत गियर में डालना, चल। अरे यही लड़की है जो कपड़े उतर कर भाग गई थी, चलो पकड़ दे। अरे गाड़ी भगा जल्दी। अरे तेज चलाओ और तेज चलाओ और। अरे क्या कर रहा है तू, तू गाड़ी क्यों नहीं भगा रहा? मैडम गाड़ी भाग नहीं रही है। साइकिल भागती क्यों नहीं? अरे क्यों नहीं भाग रही तेरी गाड़ी? मैडम नीचे बैठ जाओ, आपका वजन बहुत ज्यादा है। रुक कहता हूँ, रुक रुक। अरे सच की माँ का। अरे रुक रुक, छोड़ूंगा नहीं तुझे। कहता हूँ रुक रुक रुक। अरे ठीक से पकड़ी नहीं तो बाल उड़ जाएंगे। रुको, छोड़ूंगा नहीं। रुक रुक, छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा तुझे। अरे घोड़े का मुंह किधर है? अरे घोड़े का मुंह इधर है, तेरा मुंह इधर है। अरे रोक रोक, अरे कैसे रोकेगी मैं? ब्रेक नहीं है। अरे ब्रेक नहीं तो मैं तेरे को पकड़ूंगा कैसे? घोड़े का पूंछ पकड़ कर। अरे रोक, मैं तो घोड़े के पूंछ पकड़ के मारूंगा। अरे 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 अरे, सामने से मेरे को रास्ता नहीं दिखता रे। काय रे तू, काय ऐसे काय कर तू? अरे चुआ, छोड़ छोड़। अरे चलना साहेब, काहे पकड़ा पकड़ी करते? चलना साहेब। बहुत इंतजार करवाई तुमने। हम तुमको अकेले आने के लिए बोली थी, अपने साथ ये किसको उठा के ले आई? गुलादीन, तुम्हें इनसे कोई खतरा नहीं है। अगर ये दोनों मेरा साथ ना देते तो शायद मैं तुम तक ये हीरे कभी नहीं पहुंचा सकती थी। खाओ ना। अच्छा ठीक है, बताओ नगीने किधर है? पहले ये तो बताओ कि इसके माँ बाप को कहाँ छुपा के रखा भाई? पहले नगीने फिर माँ बाप। ठीक बोली ना मैं? ये लो गुलाबदीन। माँ बाप, माँ बाप, माँ बाप, माँ बाप, माँ बाप। नवाब इरद, इनके माँ बाप को लेकर आओ। ए, चलो उठो। सर एक मिनट, सर करना लंबा, आप तो इधर आइए।
कुल बिरादर, ये खबीस की औलाद हमको नकली नगीना देती। नकली? हंसीर की औलाद को पकड़ो, पकड़ो, जल्दी पकड़ो इनको, हंसीर के बच्चों। चलिए पापा, जल्दी बैठिए। Come on, निशा। इससे पहले गुलादीन के आदमी आ जाएं, तो अपने माँ बाप को लेकर यहाँ से फौरन निकल जाओ। लेकिन तुम? तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं चाचू को लेकर आता हूँ। राजा। Come on, निशा। Come on, तुम गाड़ी में बैठो, तुम चलो, तुम चलो, तुम चलो, मैं चाचू को लेकर पहुंचता हूँ। हीरे लेके चाचू कहाँ चले गए? अब इनको ढूंढना पड़ेगा। Bloody nonsense! TCP तुमसे एक भी काम ठीक से नहीं होता। मोटरसाइकिल भी पकड़ी तो ऐसी ही कि आधे रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया। मोटरसाइकिल धोखा दे जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन टांगे धोखा नहीं देनी चाहिए सर। टांगे टांगे धोखा नहीं देनी चाहिए। अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं जाता हूँ। क्या बर्दाश्त नहीं होगा? अरे जाइए, कुछ नहीं होगा सर, आप बस करिए ना। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो लोग यहीं किसी एरिया में छुपे होंगे। मुझे अरे कहाँ चला गया जय? डीसीपी का बच्चा है? अरे तुम कहाँ चले गए थे? आप और यहाँ सर, मैं आपके लिए हीरो को लेकर आया हूँ। आई यूर ए जीनियस माय डार्लिंग, यूर ए जीनियस। तुम क्या समझते थे कमिश्नर, मुझसे बच के निकल जाओगे क्या? अब बताओ कहाँ है मेरा बेटा और बहू? मॉम, आप यहाँ कैसे पहुँची? अरे बेटा, मैं तो इन लोगों का पीछा करते करते आई हूँ। पर बहू कहाँ है बेटा? मैंने सबको सेव करके यहाँ से निकाल दिया है, अब हमें भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। मॉम, चलिए चाचू। चाचू? मॉम, ये डैड नहीं, चाचू है। करना लो, डीसीपी नहीं, वो डीसीपी का बच्चा कहाँ है जो मेरे साथ आया था? बोल, नगीने किधर है? मुझको नहीं मालूम नगीने किधर है। नहीं मालूम। तू लड़का लड़की को लेके मेरे पास आई और नकली नगीने देकर असली आदमी को छुड़ा कर ले गई। नगीने किधर है? अरे भाई, मैं इससे पहले तुमको कभी मिला नहीं, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मैं तुमको कभी देखा नहीं, और तुम उसको थप्पड़ क्यों मार रही है? तू ऐसे नहीं मानेगी। नवाब बिरादर, इसको बम से उड़ा दो। बम से उड़ा? बम लेके आओ, जाओ अभी लाती है। बम से? बोले बोले खातून, ये नवाब अभी तक आए क्यों नहीं? हम तो उसके जिस्म पे बम बांधने के लिए बोली थी, तुम तो खुद ही बम पहन के आ गई। और ये औरत कौन है? अंदर छोड़ के आई थी, तुम इधर कैसे आ गई? देखो जे, समझ गई। ओए हिलो मत। समझ गई, तुम दोनों हम शक्ल है। मेरे भाई को छोड़ दो गुल, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये बॉम्ब नकली है। हाँ?
कभी कभी अपने दुश्मन को डराने के लिए हम इस बम का इस्तेमाल करती और तुम हमको डराती खुद से। देखा वो नकीन हमारी अमानत। हम वो नकीने लेकर हिंदुस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके जाती थी, मगर उस वफादार फौजी ने हमसे वो नगीने छीन कर सरकार को दे दी। अब वो नगीने हमको वापस मांगती। अल्लाह कसम अगर वो नगीने मुझे नहीं मिली तो अल्लाह कसम तू भाई साहब किसको बोली? वो आपको। आज से मैं आपकी बहन और आप मेरे भाई। अरे तुम तो सबको अपने भाई बना लेती हो, मगर यहाँ तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। हाँ आप चुप रहिए भाई साहब। ये अब तू बताएगी कि हमारा नगीना किधर है। गुलादीन अगर इनकी खैरियत चाहती है। गुलादीन क्या हालत बहुत खराब है, जल्दी आइए। या अल्लाह तुम इन पर नजर रखो, हम अभी आती। गुलादीन मेरे बच्चे को बचाओ। गुलादीन बच्चे को पैदा करने के लिए हमें डॉक्टर की जरूरत है, मैं कुछ नहीं कर सकती। हम शहर से बहुत दूर है, डॉक्टर को कहाँ से लाएगी? और ऐसी हालत में खानम को ना अस्पताल ले जा सकती और ना डॉक्टर को बुला सकती। या अल्लाह मदद कर। गुलादीन अभी तो डॉक्टर ही कुछ कर सकता है, माँ और बच्चे दोनों की जान खतरे में है। नहीं भाई माँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे खानम को कुछ नहीं हो सकती, मेरे खानम को कुछ नहीं हो सकती, मेरे खानम को कुछ नहीं हो सकती, मेरे खानम को कुछ नहीं हो सकती। बीस साल में पहली बार हमारा खानम मां बनने वाला है। इधर कोई डॉक्टर नहीं, उसका जान खतरे में है। अगर वो मर गई अल्लाह कसम हम सबको जान से मार डालेगी, जान से मार डालेगी, जान से मार डालेगी। और अगर वो बच गई, अगर वो हमारा बच्चा बच गई तो हम सबको आजाद कर देगी, हम सबको छोड़ देगी। या अल्लाह मेरा बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है। नो मॉम बेटा जा इनके बीवी बच्चे की जान बचाने जा। नो भगवान का नाम लेके जा जा। नो नो मॉम मैं तो खाली नाम का डॉक्टर हूँ। नो नहीं जाओ जाओ नो सब लोग जा सब लोग जा। एक होचे हमारा खानम का जान बचाएगी, हमको हमारा औलाद का दीदार कराएगी। ये जानम एक होचे बताओ तुम कैसे बच्चा पैदा करेगी? अरे मैं तो खुद बच्चा हूँ, मुझे क्या पता बच्चा कैसे पैदा होगा। देखो देखो मैंने कभी पहले ऑपरेशन नहीं किया है। खानम खानम देखो जो तुमको मांगती है करो, मगर हमारा हमारा बीवी और बच्चों को बचा लो। ओए किधर जाती? ऑपरेशन के लिए मरीज को बेहोश करना पड़ता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, एनेस्थीसिया भी नहीं है, इसको बेहोश कैसे करेंगे? बेहोश करना तो बहुत आसान है, अभी रुको। देखो ये हमारा बेहोश करने का पानी है, ये देखो ये डाला 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 बस 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 ये देखो बेहोश हो गई। खानम ये लो ये हो गई बेहोश, चलो तुम शुरू करो अपना। लेकिन ऑपरेशन के लिए तो औजार चाहिए, औजार कहाँ है? अरे औजार है ना हमारे पास, ये देखो कितना औजार है हमारे पास। क्या चाहिए? ये लो कितना सारा औजार है। इन औजारों से ऑपरेशन नहीं होता। अरे हम तो जिंदगी भर यही औजारों से ऑपरेशन करिए। ठीक है तो प्लीज इन सबको गर्म पानी में बॉइल करवा दीजिए और इनको जल्दी अंदर भेज दीजिए। अच्छा खोचे हम अभी बॉइल करा देती है, अभी उबाल देती है। खोचे जल्दी आओ, खोचे इसको उबाल कर लाओ, जल्दी करो।
अल्लाह मेरी मदद कर। बेवकूफ कहीं का, इन औजारों से ऑपरेशन करेगी। साले इन औजारों से कोई ऑपरेशन होता है, इसको भी मरवाएगा और मुझे भी फांसी दिलवाएगा। कहां फंस गया मैं भी। हे शिवजी भगवान, प्लीज अब आप ही मुझे बचाइए। प्लीज कोई करिश्मा दिखाइए। प्लीज भगवान इन सबकी रक्षा कीजिए, मेरे माँ बाप की रक्षा कीजिए, इस औरत की रक्षा कीजिए। हे भोलेनाथ, बस अब आपका ही सहारा। अरे पता है घोटा सिक्का बुरे वक्त में तो काम आता है। अरे जो कुछ भी है ठीक है, लेकिन कर्नल मेरे हीरे कहाँ है? मैं कर्नल नहीं हूँ, मैं डीसीपी हूँ। अरे तुम कर्नल हो या डीसीपी हो मुझे से कोई मतलब नहीं है, मुझे हीरे से ताल्लुक है। हीरे चाचू के पास है। और चाचू कहाँ है? मोहतरमा ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। एक बात बताओ, ये कभी बाहर भी निकलती हो या हमेशा इन कबीलों में ही कैद रहती हो? मेरी दुनिया तो इस कबीले में ही कैद है। मैं अपना फोन नंबर तुमको देता हूँ, अपने पास रख लो, कभी बाहर निकलने का दिल करे तो मुझे फोन करके बुला लेना। अब यह नकाब हटा कर अपना चांसा चेहरा तो दिखा। तेरे सरकार को मिल गई तो फिर मैं जिस लड़के को पकड़ के लाया हूँ वो लड़की कौन है? ए लड़की, चल बता कौन है तू? बता। 500 करोड़ के खीरे हीरे कहाँ है? ए मैं तेरे को कितना बार बोली, मेरे पास हीरे नहीं है, नहीं है, नहीं है। दिन तक दिन। और हाँ सुन, जो तू मेरे को समझती ना, मतलब समझता ना, वो मैं नहीं है। नहीं है फिर कौन है? बताऊ मैं? बताऊ मैं कौन है? बता दू। पोल खोल दे पूरी। खोल दो, डरेगा तो नहीं? सच्चे मुझे ये ले अभी मौसमी खा तू। अब बच्चों के खेलने के लिए बॉल। कितनी बार तुम्हें कहा है ये घर है तुम्हारा, पुलिस थाना नहीं, जो चिल्ला रहे हो। अब क्या कर दिया मेरे बेटे ने? अरे क्या नहीं किया तुम्हारे बेटे ने, उसने मेरी इज्जत बढ़ा दी, मेरी शान बढ़ा दी,
मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। क्या? मुझे पुलिस मैडम भी मिल गया। सच? कहाँ तुम्हारा बेटा? वो Hey Dad, I'm here. और तू नीचे आता मैं 100% ऊपर आऊँ। आप 1% भी ऊपर नहीं आ सकते। अरे क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मैं नीचे आऊँगा। Yes. Hey, right, Mom. Commissioner, catch him. लेकिन डैड आप मुझे नहीं पकड़ सकते। अरे क्यों नहीं पकड़ सकता? कैच मी इफ यू कैन। अब तू 100% बात मानेगा कि नहीं मानेगा? नहीं। अरे कैसे नहीं मानेगा, तेरा बाप भी मानेगा, वो देखो जी। हे भगवान, फिर से एक नई लड़की मेरे घर में। डैड अगर ये बात है तो मान लेता हूँ। अरे लाओ मेरे बेटे, हाथ लाओ बेटा, आगे लाओ, ये ले, ये। बेटा जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा अपने बाप की सुनना, बीवी की सुनकर जोरू का गुलाम ना बन जाना यार। सॉरी। क्या बोलता है सब जलता है, हर लफड़े का हल मिलता है। क्या बोलता है सब जलता है, हर लफड़े का हल मिलता है। तेरी मेरी मेरी तेरी आंखें देखे हेरा फेरी, गलती यहाँ से मारो। जाने भी दो यारो, और जाने भी दो यारो, और जाने भी दो यारो, और जाने भी दो यारो। Yeah.